सिंगल वर्ड वाली फिल्में आपकी क्यों होती है? आप सिंगल हैं इसलिए या मतलब? तुमने तो बताया नहीं किसका सेल्फी चाहिए। मेरे को मेरे सिद्धू जी के साथ लेनी है। लोगों का दिमाग तो नहीं खाती। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आजकल हिस्टोरिकल फिल्में बड़ी आ रही हैं। हाँ। आपको पता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट कैसा होता था? कैसा होता था? बहुत अच्छा होता। आपको पता है कैसा होता था? बहुत अच्छा। नींद की गोली और हिस्ट्री का पेपर दोनों एक जैसा असर करते थे। मतलब अपना दिनेश नहीं है। हाँ। एक किताब खोल के ना रजाई में घुस जाता था, फिर रट्टा मारता था। 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 15 तो इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। फिर इसके ऊपर इसके फादर का हमला होता था, उठ उठ, 12 बजे तक पढ़ता था, 9:30 हो गया, फिर नींद में उठता था, 9:30 बजे फादर का हमला हुआ था, 9:30 बजे फादर का, फिर ये पेपर में लिख के आता था अगले दिन, बाबर का तो पता नहीं, फादर रात 9:30 बजे आया था। अच्छा, स्कूल में कई बच्चों को लगता है हिस्ट्री के पेपर में ना ज्यादा लिखाओ ना उसके बड़े नंबर मिलते हैं, जैसे अपना पांडे नहीं, ये तो गाने लिखाता था शब्दों को बढ़ाने के लिए। एक बार इसको सवाल आया कि अकबर के बारे में 500 शब्दों में बयान करें। इसने पहली लाइन लिखी, अकबर मुगल शासक था। इसको बस इतना पता था, इतना पता था। वो भी क्वेश्चन में लिखा था कि मुगल शासक अकबर के बारे में बताए। इसने वहीं से पढ़ के लिख दिया, अकबर मुगल वंश का शासक था। उसके बाद इसने गाने घुसेड़ने शुरू किए, फिर क्या लिख रहा है, अकबर उन्हें शहनशाह अकबर और अजीमो शान शहनशाह कहा जाता था। अच्छा, मरहबा मरहबा में शब्द कम पड़ गए ना। हाँ। इसने मेरे ढोलों पर तबला डालना शुरू कर दिया, ढिंग ताना ना 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 धेरे ना ना धेरे ना ना ढिंग ताना ना 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 ढिंग ताना ना ना। फिर जब मास्टर ने वो पेपर पढ़ा ना, हाँ। जितनी तबले की थाप घुसेड़ी थी इसने, हाँ। उसने उससे ज्यादा थाप इसके तबले पे दी। फिर ये एक महीना अपने तबले पे पाउडर लगाता रहा। 3 हफ्ते तक तो ड्रम सेट भी इसने खड़े होके बजाया। अच्छा, पहले के राजाओं की आदत होती ना, जैसे कोई दासी आके बोलती थी ना, महाराज की जय हो, फलानी रानी को राजकुमार हुआ है, राजा माला तोड़ के दे देते थे, है ना। उनकी रानियां बड़ी होती थी ना, पता नहीं होता था कौन सी रानी की खुशखबरी आ जाए, तो बड़ी सारी मालाएं पहन के रखते थे वो। किसी की भी खुशखबरी आई माला उतार के देते थे। कई बार तो पास खड़ा मंत्री बताता था, महाराज चेक तो कर लो किसकी खुशखबरी आई है। दासियों में बड़ा कंपटीशन होता था। हाँ। दौड़ लगी रहती थी कि राजा को जाके खबर कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा। रानी को वैसे ही उल्टी आ गई, उसने उंगली खुद ही किया, महाराज महाराज। कई बार तो रानी चोटी से पकड़ लेती थी, इधर आ, किसको खुशखबरी सुनाने जा रही है, काई खुशखबरी, मेरे को तो फूड पॉइजनिंग हुई है, खुशखबरी सुनाने जा रही है, महाराज तो 2 साल से जंग पे थे। अच्छा, राजा महाराजा जब कभी अपने बच्चे को गोदी में उठाते थे ना, कि ये सारे बच्चों को कभी मिलते थे छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले तो तब वो गिनता था कि बच्चे 5 हैं, मालाएं 8 गई हैं मेरी। अच्छा, फिल्मों में दिखाते थे ना, एक दासी रानी के कक्ष के बाहर खड़ी रहती थी, रूम के बाहर ऐसे खड़ी रहती थी, जैसे राजा आता था तो दूर से चिल्लाना शुरू कर देती, सावधान महाराज धीराज, राजा महाराज पर पधार रहे हैं। उसका काम यही होता था, हाँ। महारानी को अलर्ट करती थी वो। महारानी पता नहीं ऐसा क्या कर रही होती थी, उसको अलर्ट कर रही होती थी। अच्छा, उन्होंने कितनी सारी दासियां रखी होती थी उन्होंने, 2 दासियां बाहर 2 अंदर हैं, 2 फिर आगे उनके, 6 दासियां। आज के हिसाब से 10-10 हजार भी पगार पकड़ दो तो 60 हजार में 6 दासियां रखी, 60 हजार की दासियां रखी, 300 की कुंडी लगवा लो। अच्छा, उस जमाने में ना सैनिकों को 1 नंबर जाने की बड़ी किल्लत होती थी, क्योंकि किले इतने बड़े बड़े होते थे, 1 कोने से दूसरे कोने तक जाना, हाँ। 2-3 घंटे तो उसमें लग गए, बीच में कोई 10-15 राजदरबारी मिलके उनको झुक के करना पड़ता, हाँ। था। अच्छा, आप ऐसे झुको ना, हाँ। तो ब्लैडर पे और प्रेशर पड़ता है, महाराज जी। तो
तो फिर कई लोग जुगाड़ करते थे, ऐसे में किसी सैनिक की ड्यूटी लगी रहती है ना किले के सबसे ऊपर, तो वो तो नीचे जा ही नहीं पाता था, तो वो फिर जुगाड़ लड़ाता था, वो जहां से चिपके तीर चलाता था ना वहीं से बंदूक चला देता था। अच्छा आजकल के टाइम पे पेंटिंग बनाना बड़ा आसान है, आप पहले फोटो खींचो उसके बाद फोटो को देख के पेंटिंग बना दो। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनती थी ओह बड़ा ही मेहनत लगती थी, क्योंकि राजा को खुद ही बैठना पड़ता था ना सामने। उस समय आपने देखा होगा एक मेन पोज होता था, जैसे ये राजा है तो राजा ऐसे बैठा रहता था, क्योंकि अगर कोई राजा को बोल दे कि महाराज ऐसे बनानी है आपकी फोटो तो राजा 6 घंटे बैठ ही नहीं सकता, और ऐसे बैठे बैठे भी 6 घंटे ना महाराज को गैस हो जाती थी कभी कभी। अब ज्यादातर आप तस्वीरों में देखना राजा के हाथ में तलवार और एक हाथ में गुलाब रहता था, तो तो वो जो गुलाब रहता था पोज के लिए थोड़ी ना होता था, वो राजा बीच बीच में खुद ही स्मेल करता रहता था। अच्छा आप देख लेना राजा महाराजा और आम लोगों के बात करने में कितना फर्क होता है। हाँ। बात सेम ही होती है, जैसे मैं आप लोग अच्छा यू हैड योर डिनर, नहीं नहीं अभी तो रानी महारानी लगी आपने भोजन ग्रहण किया, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करती ना, जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं, आपको पप्पू नहीं नजर आ रहा बस लेटरिन गया है, इतनी सी बात। यही दो महारानियां बात करेंगी तो उनकी बातें बदल जाती हैं। राजमाताएं जब इकट्ठी होती हैं, ऐ सल्तनत की वालदा कहाँ है आपके साहेबजादे, फिर उसकी माँ वाक्या कैसे बयान करती है, शहनशाह हिंद सुल्ताने वादियां नजर नूर इस वक्त अपनी तशरीफ से पखाने में जुल्मो सितम डाल रहे हैं। बात वही है, राजा महाराजा जब चलते थे कितने कपड़े पहनते थे, आपने देखा होगा एक बड़ी सी तलवार और पूरी अचकन, ऊपर से लंबी फ्रॉक, उसके ऊपर फिर वो हाफ स्लीव जैकेट, और ऊपर से हाथ पे के वो लपेट के, और सारा दिन ऐसी हमने तो फिल्मों में देखा यूं करके चलते थे। राजा को गुस्सा भी आता था कि ये शुरू किसने किया था ये लिबास, है ना, सारा दिन ऐसे घूम घूम के ना, शाम को जब थक जाता था फिर राजा अपने सिपाही को बोलता था हमारे शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दीजिए, हमें आराम करना है। जैसे ही चला जाता ना देखता इधर उधर कोई नहीं, फिर उठा के तब एक डिपार्टमेंट होता है पुरातत्व विभाग, ये लोग जो पुरानी जमीनें खोद के खोपड़ियां निकालते हैं, बताते हैं ये खोपड़ी कितने साल पुरानी है, किसकी खोपड़ी थी। अच्छा ये लोग हजारों साल पुरानी खोपड़ियां निकाल के उसके बारे में बता देते हैं, पास में खड़ी बीवी इनकी उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये नहीं बता पाते, देख लो आप। अच्छा उस समय स्वयंवर भी होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो कैसे कैसे स्वयंवर होते थे, राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है कितने सारे राजाओं को बुलाता था, वो उनको टास्क दिए जाते थे कि मछली की आंख तीर मारो फिर आपको रानी मिलेगी, रानी बैठ के देखती रहती थी। अच्छा जो राजा मछली की आंख में तीर नहीं मार पाता था वो फिर गुस्से में उसकी बाप की आंख में मार के जाता था महाराज। कई राजकुमारियां बड़ी भी वो होती थी, वो खुले में कुश्ती करवाती थी, उसमें डबल बेइज्जती होती थी, एक तो मार पड़ी ऊपर से शादी भी नहीं हुई। तो ऐसे में फिर जो कुश्ती जीत जाता था राजा और राजकुमारी को ले गया, उस पे फिर जो हार गया ना राजा वो रात को हमला करता था, वो कहता था शादी मेरी नहीं हुई स्वागत तेरी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा महाराजा को ना ये बड़ी आदत होती सुनने की, महाराज की जय हो, है ना, जैसे महाराज आते थे होता नहीं सारे दरबारी खड़े हो जाते थे, एक आदमी क्यों देता था बाकी पीछे महाराज की, बाकी कहता जय हो महाराज की जय हो, जिसको पेमेंट नहीं मिली रहती थी ना वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो बोलता था महाराज की। उसको पता है हमारी तनख्वाह दी काय का महाराज। आज के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं ना, उस समय ये सब होता नहीं था, अगर दूसरे देश ने किसी ने हमला कर दिया पहले लिख के भेजना पड़ता था, एक घुड़सवार जाता वहां महाराज बहुत बुरा हो गया काम खराब हो गया है, या फिर वो कबूतर के गले में रस्सी बांध के भेज देते थे। एक मैंने कहानी पढ़ी, एक राजा ने कबूतर पीट दिया। What? हाँ कबूतर आया तो उसके गले में पर्ची थी, उसने खोल के देखा फलाने देश का राजा आप पे हमला करने वाला है, राजा ने 4 थप्पड़ मारे कबूतर के, कहता जंग तो कल की खत्म भी हो चुकी है, वो तो मेरी 2 रानियां भी ले गए तू अब आ रहा।
उस समय महल में एक राज नर्तकी भी होती थी, आती ना महारानी जब महाराज को एंटरटेन करती थी। अच्छा महारानी देखो कितने खुले विचारों की होती थी, वो उनको पता था महाराज नृत्य देख रहे हैं, एंजॉय हो रहे हैं। आज के टाइम पे कोई आदमी, भाई साहब आप मंगवा के देखो नर्तकी, आप नर्तकी मंगवा के देखो, बीवी आएगी, बीवी नर्तकी की तो टांगे तोड़ेगी, पति की भी आंख फोड़ के जाएगी वो। आजकल जमाना खराब हो गया है। अच्छा हिस्ट्री की बात चल रही है, मैं अपने दर्शकों को जानना चाहता हूँ आपको हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है। हाँ माइक ले लीजिए, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये तो आसान सवाल। सवाल ये है ही नहीं। अच्छा। मैं चेक कर रहा था। अच्छा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कितने बजे? नहीं नहीं ये देखो ताजमहल का सबको पता है, ये था वार्म अप क्वेश्चन। अच्छा। क्वेश्चन अगला, लाल किला किसने बनवाया था? नहीं पता? नहीं। ओ भाई साहब पीछे आप, मैं उनको माइक दे दो, इतनी अकड़ में बैठे जिसे इन्होंने बनवाया। हाँ लाल किला बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। सर शाहजहां ने बनवाया था? हाँ रियली? आपको पक्का पता है? शाहजहां ने? आप मिस्त्री थे वहां पे? उनको दे दीजिए, शाहजहां ने ही बनाया था। वो तो हो गया ना सवाल। हाँ। सवाल तो आ गया, सवाल आ गया, शाहजहां के दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम? हाँ अकबर था। नहीं वो प्यार से पापा जी बुलाते थे। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है आशीर्वाद ऊपर वाले का। थैंक यू, थैंक यू। और कौन जवाब देना चाहता है सीरियसली जिनको आंसर आता है? अर्चना जी आप सिलेक्ट करो, किसने हाथ किसने खड़ा किया? चलिए आप माइक दे दो उनको। भाई साहब पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1847 में। आप आसपास भी नहीं हो। एक और ट्राई करेंगे, दूसरा सवाल पूछूं? चलेगा। चले। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन दे दीजिए। क्या केबीसी चल रहा है? ओके बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। सबको भी लव यू। लव यू ब्रदर। बस मेरी किस्मत में लौंडे लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे दुनिया सारी मर जाए अकेली घूमती रहो। तो अर्चना जी हमारे बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पे अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहती हैं, इसी कड़ी में एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है थप्पड़, और आज उसी की स्टार कास्ट और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। आपसी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। तापसी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और मुबारक हो आपको फिल्म फेयर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए। थैंक यू। मैं यहाँ आई थी ना शो प्रमोट अपने तभी आई हूँ यहाँ पे इस पिक्चर के लिए भी, क्योंकि पिछली बार आई थी सांड के आंख के लिए तो अवार्ड मिले, मैंने कहा इस बार भी आ जाती हूँ क्या पता। कभी घमंड नहीं किया बस। हाँ, लेकिन सच्चा। अच्छा हमने अक्सर देखा है जैसे जो बड़ी उम्र की हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, हाँ जी, वो भी माँ का रोल नहीं करती है ना जी? तो नहीं मतलब है। मैंने तो बहुत
लेकिन तापसी ने सांड की आंख में दादी का रोल किया, वो भी 80 साल की दादी का। वे सो प्राउड ऑफ यू तापसी, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। yes. तापसी एक ना हमारे ग्रुप में लड़का है, वैसे बोल रहा था कि तापसी की ज्यादातर फिल्म में आप अगर देखेंगे ना तो सिंगल वर्ड्स वाली होती है, जैसे बेबी, सूरमा, मुल्क, पिंक, बदला, अब थप्पड़। तो ये सिंगल वर्ड वाली फिल्में आपकी क्यों होती है? आप सिंगल हैं इसलिए या मतलब आज सोई नहीं आप सर रात ना? नहीं यार, क्यों? मेरा प्रमोशन कर रही है, प्रमोशन चल रही होती है, सोने को नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए मतलब इतना आसान नहीं होता जितना अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके आ जाओ। आप कपड़े की हालत ही देख लो, अब वो अलग रीजन की वजह से आप पूरी रात अगर सोने नहीं देगी वो छोटी सी, तो इसकी हालत देख लो। उन्हें उसकी प्रॉब्लम भी ऐसे बेड पे लड़ा के सुला दो फिर नहीं सोती, उसको ऐसे रख के ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब आप सोचो उसको तो मजा आ रहा है, वो आंखें खोल के ऐसे ऐसे नीती रहती है, और मैं ऐसे, अब ये मेरी टांग को इतनी आदत होगी ना मैं खड़ा खड़ा भी ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अच्छा आपने कभी नोटिस किया है तापसी ने बहुत सारी फिल्में जो की हैं, बहुत सारी फिल्मों में कोर्टरूम ड्रामा होता है। हाँ। जैसे मुल्क आप ले लो, पिंक ले लो, मनमर्जी रोमांटिक फिल्म थी उसमें भी कोर्ट में थोड़ा सा गई थी। हाँ। तो ये आप फिल्मों में काम करने आई कि कोर्ट कचहरी में वकालत करने आई हैं आप? आई थिंक लकी जाम हो गए, अब तो कोर्ट ना डालो ना पिक्चर के अंदर, लगता है हिट नहीं होगी मुझे। अब तो कोर्ट के सामने से निकल जाऊंगी मैं, पासिंग दे दूंगी, कोर्ट में कोर्ट होना जरूरी है। तो तापसी से हम ढेर सारी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़ी एक और एक्टर और डायरेक्टर साहब को यहाँ पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, दिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप काली साड़ी में। थैंक यू। मतलब अगर काली साड़ी नहीं होती तो खूबसूरत नहीं लगती। अरे जस्ट आस्क। मतलब हाँ ऐसे ही। अर्चना जी भी देखो पहले भूल गई थी तो हिसाब से ही ना अपनी ड्रेस दिखाने हैं। यार हाँ। बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी अर्चना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कसम से बुल्गारिया का तोता लग रही हैं। एक्चुअली ना ढंग से रात को सोए नहीं हम, आपके आने से पहले वही बातें कर रहे थे तो कभी कभी दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। हम बहुत कम ही सर मतलब सुबह शूट करते हैं हम लोग, पर इतनी सुबह नहीं कभी करते, जैसे अक्षय पाजी आते तब करते हैं, या आपके लिए आज पहली बार। सर जैसे अक्षय पाजी सुबह आते हैं ना तो हम सारी टीम उठती है तो बड़ा खुश हो गए, पिछली बार सारी टीम को 20 लाख रुपया दे के गए थे। डाल दिया बात, डाल दी आपके जहन में। 20 लाख रुपए उनकी पिक्चरें कमाती है 200 करोड़, ठीक है उसमें से 20 लाख दे भी देंगे तो कुछ नहीं जाएगा उनका, तुम विश करो हमारे भी 200 करोड़ कमाए, हम पक्का आके देते हैं 20 लाख। तो हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार देते। तो दिया पहली बार आई है, क्या लेंगी आप, चाय कॉफी या डायरेक्ट फ्लर्ट? आपको फिल्म का थीम पता है ना मतलब? ओहो बच के रहना। थप्पड़ से डर नहीं लगता मैम साहब, प्यार से लगता है। प्यार से अच्छा। अच्छा अनुभव सर, हमने सुना है कि इस फिल्म में जो तापसी को थप्पड़ मारा गया उसमें उस 6-7 रीटेक हुए उसमें? हाँ जी ज्यादा, बहुत ज्यादा हुए। अच्छा एक तो फिल्म भी उस मुद्दे के ऊपर है, थप्पड़ के ऊपर, ऊपर से लड़का जो मार रहा है उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस लड़की ने पहले शबाना और बेबी जैसी पिक्चरें की हैं जिसमें ये लड़कों को पीट रही हैं। मैं बताऊं क्या चल रहा था, मैं थी वहां पर जी, रात भर सोया नहीं। अच्छा। अगले दिन आता है हमारे, रात की शूटिंग हो रही थी इनकी। हाँ। तो ये उस दिन
पवेल बिल्कुल हैरान परेशान घूम रहा था और शॉट के पहले ये सारी रात इन्होंने इस एक सीक्वेंस की शूटिंग की। अच्छा। इतना ड्रामा हुआ ना इसको लेके वो बेचारा कहता तू एक काम कर, तू पहले मुझे मार ले। हाँ, एक काम, हाँ, मैं कैसे हाथ उठाऊंगा तेरे ऊपर, मैं मार नहीं पाऊंगा, तू एक बार मुझे मार दे ताकि मुझे इतना बुरा ना लगे तुझे मारते हुए। पर इतना कैरेक्टर में घुसती है ना तापसी कि इतना गुस्सा किया उसको प्रमोशन पे भी नहीं लेके आई। नहीं ठीक है, हाँ एक स्टैंड ले लिया तो ले लिया, वेरी गुड। पर दिया आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको किसी को स्टार को थप्पड़ मारना हो सीन में, आपको अब बड़े सारे रीटेक देने पड़े हो, आप नर्वस हो रही हो या बुरा लग रहा हो? आई थिंक इट हैपेंस बोथ वेज। अच्छा, उतना ही नर्वसनेस फील होता है जब आपको किसी को मारना होता है। अभी एक शो किया था मैंने, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन थी, वहां पर भी जो मेरे साथ को एक्टर थे वो इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, लेकिन वो सीन ख़त्म होने के बाद मेरी उल्टी हो गई। आई वेंट फिजिकली एंड थ्रू अप, बिकॉज जब आप एक ऐसे लम्हे से गुजरते हैं इवन एज अ कैरेक्टर, वो आपको इतना अफेक्ट करता है कि यू कांट इवन इमेजिन जो रोज़ाना जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता होगा उन पे क्या बीतती होगी। हाँ, हर जगह होता है। पर उम्मीद है कि इस फिल्म से कुछ बदलाव आएगा। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर लड़की के ऊपर कोई लड़का हाथ उठा रहा है, एक बार ऐसा हुआ था और मैंने रोका उस आदमी को, मैंने कहा यू कांट हिट हर, तो वो लड़की ने वापस मुझे उल्टा जवाब दिया, बोला हु आर यू टू इंटरफियर, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे मार रहा है, आपको इससे क्या लेना देना। एंड आई वाज शॉक कि ये मेंटालिटी है अगर कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ जो भी कर सकता है। सो आई एम सो ग्लैड दैट अ फिल्म लाइक दिस ये जनरेट कर रही है ये यू नो नई सोच कि सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आप बदल रहे हो इस फिल्म के थ्रू। मैं तो ये सोच रहा हूँ आपने आगे कहानी पूरी क्यों नहीं बताई, जो आप जो लड़की ने रोका था कि हमारा आपसक मुद्दा है, उसके बाद अर्चना जी ने पति पत्नी दोनों को पीटा। अच्छा, तो आपसे एक सवाल अर्चना जी का था, बचपन में कभी मम्मी पापा ऐसे डांट ही देते बच्चों को, कभी मार पड़ी आपको? नहीं, एक्चुअली डांट ही ज्यादा पड़ी है, मार नहीं पड़ी मुझे। आपको भी नहीं? 21 साल की उम्र में माँ ने मारा था एक जोर का थप्पड़। तो वो आपके बालिग होने का वेट कर रही थी कि लड़की किसकी होगी। अनुभव सर, आपको कभी बचपन में मार पड़ी घर से? बाप रे बाप, अभी पीछे मैं पापा से बैठ के बात कर रहा था तो मैंने बोला पापा उस दिन आपने ना बैट से मारा था मुझे, मैं ना क्रिकेट खेलने गया था, बोला था 1 बजे तक आ जाऊंगा, 3 बजे तक नहीं पहुंचा। So I must have been 14, 15 or something. अच्छा। तो मैंने एक शॉट मारा और मैं ऐसे रन लेने उधर भाग रहा हूँ और उधर से दूसरा रन लेके आऊंगा, तो बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो अपन ने बात की दोनों बैट्समैन ने कि 2 रन, और मैं उसको क्रॉस करके आगे निकला तो सामने पापा खड़े हुए थे। अब मैं विकेट की तरफ भाग रहा हूँ, सामने पापा खड़े हुए, तो मैं सीधा ले गया। आप फॉरेन में अगर कहीं आप बच्चे को आप टच कर दो तो 911 पे फोन कर देते हैं। इंडिया में अपने बच्चे को दिन में 2-4 थप्पड़ ना मारो, यकीन नहीं होता अपना है। तो होता होगा अभी तापसी, ये तो आपको पता ही है, यस नो? अरे वाह, ये आपको बताना है खाली आपने किया है या नहीं किया है। हाँ। अनुभव सर को भी एक दे दीजिए। तो यस और नो में ये है कि आप खुद एक स्टार हैं, खुद उसके बावजूद भी आपकी किसी और सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने की इच्छा है, किसके साथ है? एक तो मुझे स्पोर्ट्स स्टार्स बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े हीरो हैं सारे स्पोर्ट्स स्टार्स, तो मैं जो स्पोर्ट्स स्टार होते हैं उनके साथ। उसके अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो आयरन मैन बनता है। जी जी। दिया, आपको किन के साथ सेल्फी खींचनी है? बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ और ये सालों से हो रहा है, मैं इतनी मतलब ऑकवर्ड फील करती हूँ उनके साथ तस्वीर खींचने में। और अगर कोई एक नाम लेना हो तो कौन सा नाम लेंगी आप? आई थिंक मिस्टर बच्चन। बच्चन साहब, वाओ। अनुभव सर, आप? यार बहुत सारे लोग हैं होते हैं, मतलब उसमें से एक जो वो सेल्फी हो ही नहीं सकती, वो बेचारे नहीं रहे। मुझे गांधी के साथ सेल्फी लेनी थी। अच्छा, कभी आप तीनों से सवाल है, तुमने तो बताया नहीं किसका सेल्फी चाहिए। मेरे को मेरे सिद्धू जी के साथ लेनी है। अच्छा, कभी किसी पुराने क्रश को सोशल मीडिया पे ढूंढ के आपने देखा है, अब वो कैसा दिखता है, क्या कर रहा है?
वाओ, एंड जाहिर सी बात है हम नाम नहीं पूछेंगे। तापसी, जब तुमने क्रश को स्टॉक किया और देखा तो तुम्हें क्या लगा? अरे आई मिस्ड आउट समथिंग या थैंक गॉड खत्म हो गया? आई एम सो सॉरी फॉर यू। I've looked at the pictures and said, चलो बच गई। कभी सुबह उठने के बाद 10 मिनट दोबारा सोएं? हाँ, ये सबके साथ होता ना? हाँ। आप नहीं करते ऐसा? नहीं नहीं, वो 10 मिनट नहीं सोता, सोचता हूँ कि 10 मिनट सोऊंगा। अच्छा, सोता 3 घंटे हूँ। अच्छा, बाथरूम में नहाने गए हो, शैम्पू खत्म हो गया हो और साबुन से ही बाल वाल धो लिए हो सारी ऐसे मैं तो बचपन में एक्चुअली ये तो मैं सेलिब्रिटीज के लिए पूछ रहा हूँ, मैंने तो बचपन में एक ही साबुन से ऐसे ही कभी काफी लोग आइडिया नहीं पता था कि फेस वॉश अलग होता है। हाँ, वो साबुन से ही सिर धोते थे बचपन में। पहले तो ऐसे ही होता, सबने ऐसा किया है? हाँ। आपने भी ऐसा किया? कोर्स किया, मैं तो अभी भी करता हूँ। अर्चना जी ने कभी नहीं किया? ये डिटर्जेंट से मैं कभी चलिए इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग कितना अच्छा काम करते हो दिन भर हंसने का। सर शुक्र है ऊपर वाले का। मैं भी अंदर आते हुए इतना थका हुआ था, सोया नहीं था रात को। मैंने कहा यार मैं भी वहां जाके सब को दिखूंगा, मैं भूल ही गया कि मैं सोया नहीं हूँ। इन सबको बाहर निकालो। और इसको शो अकेला करने दो। दीदी आप लोग पेंट के डिब्बे में गिर गई थी। इनके लिए जोरदार तालियां, बठिंडा की उमराव जान आई है आज। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा कपूर शर्मा, दिस इज माय रणवीर सिंह लुक। मेरे को क्यों फकीर सिंह लुक लग रही तेरी? दिस इज कॉल्ड जेलसी आल्सो। हेलो अनुभव सर, कैसे हैं आप? वो तो बड़े लोग हैं, वो तो ठीक ही होंगे। दिया जी कैसे हैं आप? तासी मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप हमारे साथ हैंग आउट करने आए हैं? वो क्या होता जी, आप जाओ बस हो गया, आपका 10-10 रुपए दिए थे हो गया। कपूर शर्मा मैंने यार फैसला लिया कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। बड़ा करना है कुछ? हाँ जी। तो बाहर हाथी खड़ा जाके धो दे। ये एक घंटे में 12 गाड़ियां धो लेता है ये। आपको टैलेंट नहीं पता, बड़ा टैलेंटेड है मेरा भाई। अपनी गाड़ियां धोने में प्रॉब्लम है अर्चना जी? बिल्कुल नहीं। अनुभव सर बिल्कुल। आई हैव 12 गाड़ीज। 12 गाड़ीज तो लॉन्ग ड्राइव पे मैम, इफ यू डोंट माइंड सर। हाँ ले जाइए, थप्पड़ मारती है बड़ा हुआ वो। तो इन्होंने कौन सा पहली बार खाना है? वैसे ये बना क्या हुआ तू? आई एम शो स्टॉपर। शो स्टॉपर? और तू जाके सिग्नल पे गाड़ियां स्टॉप कर जाके तू। अच्छा उधर सिग्नल पे ट्रैफिक पीक आवर्स पे चल रहा होता है, इसका पीक आवर्स पे भीक आवर चल रहा होता है। I don't give damn to all these questions. ये सुबह आके ना सबको पहले बोलता है, बोलता है जब मैं आऊंगा स्टेज पे तो चंदू चंदू कहना, मैं तुम्हारी कपिल शर्मा के साथ फोटो कराऊंगा। वो कपूर शर्मा वो मेरे पर्सनल गेस्ट होते हैं। 50-60 कौन से गेस्ट आते पर्सनल? शादी में तो तेरे 4 लोग आए थे, वहां कहां थे तेरे पर्सनल गेस्ट?
इसको पता है शादी वाले दिन इसकी दुल्हन को कहते सब, कहते रहने दे अभी मौका है, इससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। कहती नहीं नहीं अच्छे लड़के मिलेंगे वो कामकाज में बिजी रहेंगे, ये अच्छा है फ्री है मेरे पास रहेगा। और आज अनुभव सर वही चार लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, चंदू साहब फ्री कब हो ना, हमने सेल्फी लेनी है। यार दिया मैम कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है चील का बच्चा लहंगा पहन के आया। और जब ऊंट जितना गोविंदा का भांजा इधर लहंगा पहन सकता है तो चील का बच्चा तो फिर छोटा सा होता है। कपू शर्मा तुम्हें क्या पता मॉडलिंग क्या चीज होती है, मॉडलिंग के लिए फिटनेस की जरूरत होती है। अच्छा। जैसी मेरी है। फिटनेस तेरी बड़ी है, कमजोर इतना है ना ये आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी पीठ की तरफ से इसकी नाभि का छेद दिखता है। और ये फिटनेस है कि आप पीठ से नाभि देख सकते हैं। आपकी तो नाभि दिखती नहीं है, ढाई फुट गहरी नाभि, यानी कि ढाई फुट गहरी नाभि। जब पिक्चर देखने जाते हैं पॉपकॉर्न डिब्बे में ढोल चढ़वाते हैं, कहते हैं नाभि फुल कर दो, चलो जी साथ में पिक्चर देखते हैं साथ में पॉपकॉर्न। सर वैसे मेरी ये जो आपने देखा कॉन्फिडेंस एक्टिंग वगैरह जो मेरा हुनर देखा, तो आपके साथ मेरी फिल्म कब आ रही है? नहीं मैं आपको देखते ही श्योर हो गया था कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बट चंदू चंदू तो बोलते रहो ना यार, चंदू चंदू। ओए तुम्हें लेके वो फिल्म क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं बनाते जानवरों पे फिल्में? कपू शर्मा मेरी बात सुनो, मेरे डिजाइनर को पता चल गया ना कि आपने उनके शू स्टॉपर को जानवर बोला है। हाँ। तो आप पे शू कर देना है। हाँ। शू नहीं होता। हाँ। सू होता है। वो तो दो बार होता है सू सू। इंग्लिश आती नहीं है, बनेगा मॉडल देख लो। तो रैंप पे जाकर मैंने क्या पोइम सुनानी है उधर? कैसी बातें कर रहे हो कपू शर्मा? खैर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बाद उधर ही जाना है जिधर सारी हीरोइंस जाती हैं। किधर? वो जो माला गेट है। कहाँ कहाँ? वेयर? ओए माला गेट नहीं, मेट गाला होता है वो। चलो अपने मालिक को बुला जिसने जरा ये हाल किया। बुला। कपू शर्मा मालिक नहीं, मेरे डिजाइनर है वो। सो प्लीज वेलकम कमाल की डिजाइनर भूरी। हेलो अनुभव सर, हाय दिया, हाय तापसी। हाय। वाह, ये उधड़ी हुई गिलहरी कहाँ से आई है? Excuse me, कपू शर्मा, this is my designer look. Designer नहीं, ये disaster look है तेरा। Change कर इसको, अंडे दे जाएगा कबूतर ऊपर। Excuse me, I'm not talking to you, so can you please keep quiet? Wow, इतनी English. आज ये शशि थरूर की गाड़ी धोके आई है। तो वो गाड़ी धोकर आई है, आपके स्कूटर में दर्द क्यों हो रही है? देखा, इसको कुछ कहा स्टपनी को बुरा लग गया। लग गया बुरा, लग गया। हाँ हाँ बुरी, बहुत अच्छा करियो, छा जाओ शाबाश। तुम भी कभी छा जाओ। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं शो स्टॉपर बना हूँ? अनुभव सर इसको शो स्टॉपर मैंने ही बनाया, वरना मुंह तो इसका डोर स्टॉपर जैसा है। शाबाश, छा गई तुम, छा जाओ। वैसे तापसी, आप जो इतने रियल टॉपिक्स पे जो फिल्म्स करती है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने आपकी फिल्म देखी सांड की आंख, मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ये भी तो बता कैसे देखी? इसका जीजा कैसे? थोड़ा वैसा है। तो कहती जीजू मेरे को सांड की आंख देखनी, कहता ये ले देख ले। खबरदार अगर तुमने मेरे जीजा जी के बारे में कुछ बोला तो। ओके कीप क्वाइट। वैसे दिया रहना है तेरे दिल में, मैंने चार बार देखी वो फिल्म, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है।
बताया ना क्यों देखी है, आपके लिए थोड़ी देखी है, इसका क्रश था अनुपम खेर पे। आज भी उनकी फोटो लेके घूमती है पर्स में ये। नहीं, आप लोग प्लीज बताइए कि कैसा लगा मेरी कला का नमूना। कला का तो पता नहीं, नमूना तो दिख रहा है बड़ा, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, नमूने को इंग्लिश में मॉडल ही कहते हैं। वेरी गुड मैन। मेरी बात सुन, तुम कभी कोई ऐसी बात किया करो जैसे मेरी रिस्पेक्ट हो। खैर कपूर शर्मा, ये देखो मैडम की ये पतझड़ लुक देखो कैसी लगी आपको। मेरे को तो अनपढ़ लुक लग रही है। जा चौराहे पे अगर खड़ा हो जाए ना तू, तेरा 200-250 दिन का कहीं नहीं गया। जेन्युइनली बता रहा हूं मैं। कपूर शर्मा, हाँ जो मर्जी कहते रहो, चौराहे से तो मैं एक दिन बड़ी गाड़ी से निकलूंगा। हाँ। और ये नहीं, वेव करते हुए निकलूंगा ऐसे करते। एक थोड़ा बस को बड़ी गाड़ी बोलना बंद कर। उस दिन मामा के घर पे गया अपनी बड़ी गाड़ी पे, उतर नहीं पाया क्योंकि बस का स्टॉप ही नहीं है। ऐसी जगह रहता है इसका मामा, भाग के चढ़ना पड़ता है, भाग के उतरना पड़ता है। कुछ तो शर्म करो चंदू, मतलब अपनी झूठी शान के लिए तुम बस को बड़ी गाड़ी बताते हो। अपना भी तो बताओ ना, एक घंटा पहले क्या कर रही थी। क्या कर रही थी? मैं गाड़ी पार्क कर रही थी। तो बताओ कौन सी गाड़ी पार्क कर रही थी? वो नहीं होती ऐसी वाली। ये कौन सी गाड़ी है? बात यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ। साथ में मुंह से आवाज भी निकाल रही। चंदू, हाँ? तुम मेरे मॉडल होके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो और तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा के आऊंगा। मनीष मल्होत्रा का नाम तूने लिया, तुझे पता तेरे मुंह से अच्छी कैंची कपड़े काटता है वो। तो ये उनकी कैंची तीखी करते हैं जाके। ठीक है फिर, मैं नीता लुल्ला के पास जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ? हाँ, मैंने आपके साथ काम करना ही नहीं, जा रहा हूँ सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी दे, जी दे, जा। ओके मैम, ओके जी। अरे चंदू सुनो, अरे चंदू बात तो सुनो। नेक्स्ट वीक ना मेरा भूरी फैशन वीक होने वाला है, तो जैसे आप लोग अपनी मूवी प्रमोट करें, आप मेरा ब्रांड भी प्रमोट कर दीजिए, तो मैं अपनी नई कलेक्शन की आपको छोटी सी झलक दिखाती हूँ। ये वही नहीं जो बोरीवली स्टेशन पे चूरन की गोलियां बेच रहे थे तुम? नहीं कपूर, ये मेरा बनारसी लुक है। देखो पैचेस पैचेस सेम ही तो है, जैकेट उसका टी शर्ट पे, तुम्हारे जैकेट पे है। मेरा लगवाया गया, इस पे थूका गया। कपूर एक तो ना तुम्हें ना बिल्कुल फैशन सेंस है नहीं, तो तुम बीच में बोला मत करो। तब से ये ना एक्चुअली मैंने सिंगल लोगों के लिए बनाया, यू नो सिंगल लुक। ये सिग्नल लुक है इनका, यही कपड़े पहन के देखना आपकी गाड़ी के आगे आएगी और इसको दे देना कुछ, नहीं तो ये गाड़ी ब्लेड मार देती है। कप्पू अब मैं ना सिग्नल पे नहीं दिखूंगी, दूर दूर तक मेरी होर्डिंग्स दिखेंगी बस। होर्डिंग नहीं, दूर दूर से तेरे होर्ड दिखाई देंगे। सर ये आगे मुझे बात करने देगा नहीं, तो मैं आपको एक्चुअली बाकी का कलेक्शन जो है बैकस्टेज दिखा दूंगी। बाकी की बात तो वेट कर रहे हैं ना तेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय, विल सी यू लेटर। अच्छा एक दिया, जब आप मिस इंडिया बनी थी तो आज उस बात को 20 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मुझे याद है जिस दिन दिया मिस इंडिया बनी थी ना, सेम उसी दिन दिनेश कॉलेज में मुर्गा बना हुआ था। मैं पूछने वाली थी आप कहाँ थे। मैं बगल वाला मुर्गा। पर ये देख लो, मुर्गे से आज पिटबुल हो गया है। आप वैसी की वैसी हैं, क्या खाती हैं आप? लोगों का दिमाग तो नहीं खाती। <laughs>
अच्छा आप सबको बताया अनुभव सर ने जब शुरुआत की थी तो फिल्म तुम बिन से की थी, बड़ी कमाल की फिल्म, उस फिल्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बड़ी प्यारी फिल्म थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन कुछ समय से बना रहे हैं फिल्म में मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़। सर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया? मतलब एकदम से आपने ट्विस्ट मारा सर। इनको देश के प्रति प्यार हो गया उसके बाद से, देश से प्यार हो गया, लोगों से प्यार हो गया। अच्छा अनुभव सर के बारे में हमने काफी रिसर्च की है तो हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि अनुभव सर ने जो मुल्क फिल्म डायरेक्ट की थी वो 27 दिन में कंप्लीट कर दी थी। रिसर्च देखिए हमारी, आर्टिकल 15 जो थी वो 30 दिन में निपटा दी, और अब थप्पड़ जो है वो 31 दिन में निपटा दी। और एक चीज हमने और सुनी है कि एक फिल्म तो इन्होंने 3 दिन में कोई लिखी है। कौन सी? तीनों लिखी है 3-3 दिन में। 3-3 दिन में कहां जाना होता आपको जल्दी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे सर? वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था 3 दिन में, उसके बाद फिर साल 1.5 साल लिखी जाती है। अच्छा, थप्पड़ में थोड़ा ज्यादा टाइम था। ज्यादा कितना? 3.5 दिन? 3.5। अच्छा दिया के बारे में भी हमने एक चीज सुनी कि दिया ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि ये 16 की उम्र से खुद कमाना शुरू कर देंगी और 18 की उम्र तक अपनी गाड़ी खुद खरीदेंगी और 21 तक घर खरीद लेंगी और मिस एशिया पैसिफिक ये बनेंगी, और ये सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई। वाओ। ये आज आप हमारे बीच है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें कि जैसे सिद्धू जी कब आ सकते हैं वापस। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मैंने सोचा आप मुझे पूछने वाले हो 2020 तक क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स यूज करना बंद कर देंगे। हाँ। काफी लोगों ने वैसे एक्चुअली बंद कर दिया, हमने यहाँ पे अपने प्लास्टिक हमारे सेट पर, हमारा सेट प्लास्टिक फ्री है। कपिल शर्मा शो। थैंक यू अनुभव सर, आपके बारे में एक और बात सुनी कि जब आप वाराणसी से मुंबई आए तो इनके पापा की इनके साथ फोन पे बातचीत हुई, उन्होंने पूछा इनसे कि आप कितना कमा लेते हो, तो इन्होंने जब बताया तो उनके हाथ से फोन छूट गया। सर वो उनको लगता नहीं था कि आप इतने लायक निकलोगे। क्या क्या हुआ था सर, क्या बताया था आपने उनको? उन्होंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया था। अच्छा जी। मैंने 1 साल नौकरी करी, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया उनको बिना बताए। मैं दिल्ली में था तो 1 साल बिना नौकरी के, बिना खाना पीना स्ट्रगल सोचता रहा करना क्या है मुझे। अच्छा। उसके बाद जब फिगर आउट हो गया कि डायरेक्टर बनना है, तो उनको जाके बोला तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा जो अच्छा लगता है तुम करो। फिर उसके बाद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं जल्दी पैसे कमाने लगूंगा। अच्छा। तो मैंने कमा लिए, तो वाकई वो ऐसा हुआ था। बोले कि कितना मिला तुमको इस महीने? तो ये 91-92 की बात है। तो मैंने कहा कि 50,000 रुपये। अच्छा। हाँ, तो वो एकदम ऐसे सदमे में आ गई थी कि 50,000 रुपये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। बट अनुभव सीधा डायरेक्टर बनने की सोची, ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं? Many directors actually wanted to become actors. नहीं, नहीं, बहुत नहीं? कमाल का गंदा एक्टर हूं मैं। सर ये कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो तापसी आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप रॉन्ग नंबर पे भी घंटों बात कर लेती थी। ये सही है। तो खुद मिलाती थी आप बचपन में फोन? नहीं नहीं, जो आता था। अब आपको तो पता है मुझे बात करने का कितना शौक है। सर से मैं उठा लेती थी फोन, और अगर जो भी मतलब रॉन्ग नंबर भी होता था उसमें पापा के लिए पूछते थे या मम्मी के लिए पूछते थे यूजली लैंडलाइन पे। अब कोई और पूछ लेते थे तो मैं उनसे डिस्कशन कर लेती थी कि फिर क्यों बात करनी है। अच्छा ये बात नहीं, आप मुझसे कर लो, मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी। अच्छा वो वापस आएंगे तो उनको बता दूंगी, नहीं कुछ अर्जेंसी हो गई है। मतलब जो भी मतलब जो बातें थी डिटेल में मैं पूरी डिस्कस कर लेती थी फोन। बचपन में बड़ा मजा लैंडलाइन फोन उठाने का, अपना ही शौक होता था ना। भाग के, भाई बहनों में ये होता था, भाग के उठाना है। अनुभव सर अफवाह ये है आपके बारे में कि फिल्मों में आने से पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे क्योंकि आपका नाम अनुभव है। ये तो मुझे लगता है नो नो गुड बात। दिया आपके बारे में ये अफवाह है कि कभी कभी आप खुद को सानिया मिर्जा की बहन बता के विंबलडन टेनिस मैच के पास फ्री में मंगा लेती हैं। सेम सिटी से है ना दोनों? एक्चुअली हम दोनों हैदराबादी लड़कियां हैं। हाँ। दोनों उसी क्लब में जाते थे, मैं स्विमिंग करती थी और सानिया टेनिस खेला करती थी। wow. और वी ऑल्सो वेंट टू द सेम स्कूल। और बड़े हैरत की बात है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि आप एक ही शहर के हो, एक ही सरनेम है,
तो बहन तो होंगे ही. हाँ, obviously, obviously ना. तो आज तक हम हंसते हैं क्योंकि सब समझते हैं कि हम बहन हैं. जैसे आपके साथ भी सेम हुआ था. क्या वो जो कौन थे ग्वालियर के डाकू दुर्जन सिंह और आप. कई बार लोग पूछ लेते हैं अरे पूरन सिंह दुर्जन सिंह आप लोग कजन है. पर हाँ वो बिल्कुल कजन नहीं है. अफवाह. तापसी अफवाह ये है कि आपको नारियल पसंद नहीं है इसलिए जब आप कोई फिल्म साउथ में करती हैं तो उस फिल्म के मुहूर्त पे नारियल की जगह कद्दू फोड़ते हैं और फिर कहते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा. पर एक्चुअली ना वहाँ पे कोई जब मेरा पहला शॉट हुआ था मेरी तेलुगु फिल्म के लिए तो वो पंपकिन वहाँ पे ऑस्पेशियस माना जाता है. अच्छा. तो वो पहला शॉट मेरा पंपकिन के साथ था और उसके बाद उसको तोड़ा गया था. वो एक्चुअली में ऐसे हुआ था. वाह. इट्स कंसीडर्ड ऑस्पेशियस. हमारे पास झूठी अफवाहें नहीं है सब सच्ची भी होती हैं. एक और अफवाह है तापसी आपके बारे में. अरे यार मेरे बारे में बहुत अफवाहें उड़ती हैं यार. कि आपने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाए फिल्मों में कि अब किसी वकील को फीस देनी होती है आपके रिश्तेदारों को या यार दोस्तों को वो आपसे फोन करके पूछते हैं कि ज्यादा तो नहीं मांग रहा मेरा वकील. वो आइडिया लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है. एक्चुअली बचपन में ना मैं बहुत सवाल पूछती थी अपने घर वालों से. तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत इरिटेट होकर तू ना बहुत बहस करती है तू वकील बन जा. तो मैंने अब जब कर लिए काफी रोल ऐसे मैंने कहा देखो बन गई वकील. बन गई वकील. दिया आपके बारे में ये फायदा कि लखनऊ में एक जू है वहां पे एक लेपर्ड है जिसका नाम दिया मिर्जा रखा हुआ है. हाँ उसके उनके दो बच्चे भी है अशोक अशोका और नक्षत्र. नाम मैंने अच्छा? रखे. सीरियसली ये मतलब कैसे हुआ. बेसिकली इनक्लोज्ड एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं उनका ख्याल रख सकते हैं. अच्छा. तो वहाँ के जो बहुत इंडिजेनस जू कीपर हैं उन्होंने सोचा कि ये मिर्ज़ापुर से आई हैं लेपर्डस तो अच्छा. इनका नाम दिया मिर्जा रख देते हैं. वाह. तो फिर नाम दिया मिर्जा रख दिया. फिर दिया मिर्जा को फोन किया एक दिन और कहा कि हमारे जू में आपके नाम की एक लेपर्डस है जिसके दो बच्चे हुए हैं तो अच्छा. आप उनका नामकरण करेंगी. तो मैंने कहा जरूर मेरे दो बच्चे हुए मैं तो नाम रखूंगी. हाउ स्वीट. तो नाम रख दिए एंड देन ऑफ कोर्स वी टुक केयर ऑफ. तो ये माँ बाप के कंसेंट से रखे आपने उनसे. नहीं. इसी के साथ ही हमारी अफवाहें खत्म होती हैं. धन्यवाद. अच्छा मैं अपने यहाँ पे दर्शकों को से पूछना चाहता हूँ क्या ये बात सच है जैसे बहुत सारे लोग उनको बोलते देखा जाता है कि यार हमारी शादी को तो 20 साल हो गए हमारे तो 30 साल हो गए अब तो मतलब वैसा रोमांस नहीं रहा. पर क्या ये ऐसा होता है क्योंकि मेरी तो शादी को भी एक साल हुआ है तो हमें तो आइडिया है नहीं इस बात का. आपका क्या कहना है. आप अपने विचार पेश कर सकते हैं. जी जी मैडम. माय नेम इज हेतल आई एम फ्रॉम मुंबई. वेलकम हेतल. थैंक यू सर. कपिल एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एनीथिंग एक्चुअली. और जैसे जैसे उम्र होती है ना प्यार बहुत बढ़ता है. जैसे ना पहले शब्दों से बोल देता है कि प्लीज आज संडे है आप खाना बना दो प्लीज सेल लगे मुझे शॉपिंग दिला दो. बट अब तो सिर्फ एक नजर ही काफी होती है लाइक यू नो वो प्यार भरी या फिर वो सेल की तरफ देख लिया अपने आप. तो ये आपके लिए प्यार है उनके लिए तो डर है ना. सेल नहीं 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 बहुत अच्छे से. नहीं बहुत बहुत अच्छे से. एंड भाई साहब साथ ही आए हैं. क्या हाल है सर. अच्छा अभी अच्छा है. कैसा अच्छा खाना बनाते हैं. अभी अच्छा है. तो अभी आप मैडम का एक इशारा समझ जाते हैं. तभी बचे हुए हैं. ये अच्छा लगा सुन के मैडम के मुंह से कि प्यार जो है और बढ़ता है. आपका क्या कहना है. आपका क्या कहना है. सही बोल रही है. अच्छा बड़ा वाकई में प्यार में करते हो कि डर के मारे करते. नहीं नहीं प्यार प्यार बहुत प्यार है. नहीं कैसे होता है ना कि कभी मुझे लगता है वो बोर हो रहा है थोड़ा सा. आपको मालूम है मैडम वो पीछे से बोल रहे हैं. नहीं नहीं वो सपोज ऐसे मुझे लग रहा है वो बोर हो रहे हैं ऐसा हो रहा है तो चलो जी काम करो आप दुबई हो आओ मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ वहाँ जाओ मजे करो अलोन अलोन घूमो एंड बेली डांसिंग वगैरह देखो और फिर रीजेनोवेट होके वापस आ जाओ. और ये चले भी जाते हैं अकेले. आई डू दैट फॉर हिम. आई लिटरली. उस समय आप क्या कर रही होती है. मैं बॉम्बे में. अगर ये ऑफर मेरे को मेरी बीवी दे कि जाओ अकेले घूमो मैं तो सारा मोहल्ला पेंट कर दूं. वैसे काम क्या करते हैं सर आप. सर मैं डायमंड बिजनेस. डायमंड बिजनेस. पार्की है. तो डायमंड वगैरह गिफ्ट करते रहते होंगे फिर तो बीवी को. क्या बात है यार. शुक्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए आपका. ईश्वर भला करे.
जी मैडम, अब मैडम को माइक दीजिए। हेलो एवरीवन। हेलो जी, आई एम रेनू अग्रवाल, कोलकाता से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मुझे लगता है कि जैसे जैसे शादी की टाइम गुजरती जाती है वैसे वैसे रोमांस कम होता जाता है। क्योंकि पहले हम लोग वेकेशन पे जाते थे फॉर 20 डेज, हम लोग खाली सिर्फ दोनों जन। अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारते थे। अच्छा, अभी ये हालत है कि अगर 2 दिन भी कहीं जाना होता है तो ही सेज कि भाई कोई कपल ढूंढ लो, अदरवाइज 2 दिन क्या करेंगे वहाँ पे। तो आपको इसके पीछे कारण ये लगता है कि रोमांस कम हो गया है? रोमांस कम हो गया है, और हम लोग दोनों कभी भी अगर बात करने बैठते हैं 8 से 10 मिनट अगर हम लोगों ने बात कर ली एक साथ तो फिर दोनों झगड़ा करके ही उठते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, एकदम कंफर्म है ये। फिर ये बेडरूम में, मैं हॉल में, ये न्यूज चला लेते हैं, मैं कपिल शर्मा शो चला के बैठ जाती हूँ। तो ये मैं सर से भी ओपिनियन जानना चाहूंगा। सर आपका क्या कहना है जो मैडम ने कहा है, आप उस बयान से सहमत हैं? जब पहले शादी हुआ था तो नए नए थे ना। तो पहले ही हुआ था, बाद में कब हुआ शादी? पहले मार्केटिंग कम होता था, अभी मार्केटिंग ज्यादा होती है। मार्केटिंग तो शॉपिंग, शॉपिंग शॉपिंग तो शॉपिंग 2 दिन में ही बजट। मार्केटिंग 6 दिन का बजट लेके जाते थे। हाँ जी। तो 2 दिन में ये लोग शॉपिंग करके सारा फंड खत्म कर देते थे। अच्छा, ऑटोमेटिक पैर कम हो जाता है फंड खत्म होने के बाद। ठीक है, अपने अपने लॉजिक है, सबके अपने अपने सरकमस्टांसेस है। कितने साल हो गए शादी को जी? 32। वाओ सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। सैटरडे संडे फिक्स्ड कपिल को देखना ही है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। और कपिल शर्मा का शो जब भी होता है तभी खाना खाती हूँ। खाना कैसे भी हो बहुत मीठा लगता है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन। थैंक यू मैम, शुक्रिया। मेरा मानना है कि शादी के जितने साल ज्यादा आगे बढ़ते हैं प्यार कम होता है। जवानी में जैसे जवानी का प्यार ऐसे होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल टक करके खोला, गैस निकल गया। जैसे जैसे गैस कम होता है प्यार भी कम होता है। मैंने मैंने प्यार और गैस का कंपैरिजन कभी नहीं सुना है। अच्छा, शुरू शुरू में होता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने ऐसे आए बातचीत के, खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हैं, एक उम्र के बाद एक दूसरे के सामने फाट वाट भी कर देते हैं ना। तो फिर आपका ये मानना है कि प्यार कम हो जाता है? जी सर। क्या रीजन है उसके? उसके रीजन ऐसे है कि सर जब जवान होते हैं हम लोग तो प्यार कम होता है, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मेजरली यही देखा जाता है। अच्छा जी। और जैसे 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 शादी करते हो पहले सब नया नया सब अच्छा लगता है, सब स्वीट स्वीट लगता है, उसके बाद सारे रंग निकल आते, तुम अच्छी नहीं हो, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, गैस निकल जाती है। कहने का मतलब आप ठीक थी, गैस निकल जाती है। तो भाई साहब आए साथ में कि नहीं? नहीं नहीं सर। कहाँ है, गैस भरवा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई है हमारे दोस्त? जी भाई साहब, पंजाब से हैं आप? जी सर। आपकी वेशभूषा से? मैं पंजाब पुलिस में हूँ। अच्छा, और मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जो क्वेश्चन है कि प्यार बढ़ता या कम होता, 14 साल से मैं पंजाब पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो हम जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर वाले सोए होते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी वो सोए होते हैं। हाँ जी। हमारा प्यार रोमांस तो जब हम मुजरिम पकड़ते हैं, अक्यूज्ड पकड़ते हैं, उसी के साथ जो करते हैं करते हैं, उसी के साथ होता है। कैसा प्यार हो रहा है? उससे पूछताछ होती है, वो फिर अच्छे से प्यार से उसको पूछते हैं। हमें पता है। और मतलब सर, कैसे कैसा प्यार है, मैं थोड़ा सा बताएंगे आप डिटेल में? वो प्रैक्टिकली होता है वहाँ। वो हम वो लॉकर के इनसाइड और आउटसाइड जो होता है ना, इन द प्रमाइसेस ऑफ पुलिस स्टेशन। हाँ जी, वहीं पे होता है, बाहर हम बाहर नहीं दिखा सकते प्यार हो। हाँ, अंदर की बात है। ओके सर, मैंने 4 लाइन आपके लिए लिखी हुई है। अरे सर, आप ये भी प्यार है। धन्यवाद धन्यवाद। जी प्लीज, उसके बाद बाकी बातें वहीं ले जाके करेंगे।
जी सर, एक सॉन्ग है आपके लिए। जी जी प्लीज। छड के अंबर सर बंबे जे ना आउंदा, मेहनतां दा मुल रब्बा दस कौन पाउंदा। छड के अंबर सर बंबे जे ना आउंदा, मेहनतां दा मुल रब्बा दस कौन पाउंदा। एक एक कर मरी जांदे सीगे शौक, एक एक कर मरी जांदे सीगे शौक। मार मैं लिया सी आपे शौक गाण दा, हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे किन्ने, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। क्या बात है, हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे किन्ने, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। हिम्मत सी रखी हौसला ना हारिया, करके दिखाया गल्लां ना ना सारिया। पिंड शहर देश नू है मेरे उत्ते माण, हुण कपिल नू जग सारा है पछाण दा। हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे लब्भी, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। बहुत वधिया सर, थैंक यू, लव यू सर। हेलो, हेलो रिया मैम। हाय कपिल सर, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। मैं बहुत मन से और हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। थैंक यू। मैं हॉस्टल में रहता था तब हम सब बच्चे स्पेशली टीवी लगवाया था प्रिंसिपल को बोल के। अच्छा। आपके शो के लिए। क्या नाम है आपका? खुश वर्मा। खुश कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। अच्छा, तो आप हॉस्टल में रहते हैं सब? हॉस्टल में रहते थे, अभी कॉलेज फिनिश कर दिया और जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वाओ। और सर मेरे को आपसे मिलना था और तापसी मैम से। हाउ स्वीट। आप स्टेज पे आना चाहते हैं? आइए। हाँ आइए आइए प्लीज। आइए आइए। मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स आए, रिया और पार्थ। अच्छा जी, आइए 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 पार्थ, कैसे हैं आप? आइए। हाय। आइए रिया। हाय खुश, आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे सुन। थैंक यू मैम, बहुत प्यारा नाम है खुश। बहुत सारी मूवीज देखी है आप लोगों की मैम। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए रिया। रिया इनसे मिलिए हैं दिया। सो नाइस टू मीट यू, सी एम हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप फिर? सर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी। वाओ, जो एक डिसेबिलिटी रेडियो स्टेशन है। ओके, चलिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइए आइए, कम वेट करके आइए। 1 सेकंड, 1 मिनट। और स्टेज ध्यान से। हाय, कैसे? वेरी नाइस। हाय हाय हाय, व्हाट अमेजिंग एनर्जी। यस, मजा आ गया। थैंक यू। हाय, वेरी नाइस फैन, आई लाइक आई फैन योर टीवी, आई सी फिल्म, आई हैव थिएटर, आई सी लिटिल इंग्लिश, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, बच्चे दो ही अच्छे, वेरी नाइस। Hi uncle. Hi. Kaisa beta? I am fine. You come last time na article 15 I see. No, very nice you. Anubhav Sinha ji. Yes. Chatrughan Sinha ji nahi aaye. Chatrughan Sinha ji kyun aayenge? Unki thodi na film aa rahi hai. Aayi na unki Kali Charan, Bombay to Goa, bahut film mein aayi le unki, kya baat kar rahe le? Are jinki film release honi hoti hai wo log aate hain promotion karne ke liye. वो लोग इधर रहते हैं। हाँ तो? हाँ तो आपकी कौन सी फिल्म आ रही है? कौन सी पिक्चर आ रही है? शो देखने आए वो। अच्छा अच्छा, मतलब जो प्रमोशन पे आते हैं वो ऊपर बैठते हैं। हाँ। और जो देखने आते हैं वो नीचे बैठते हैं। हाँ। तो ये भाई साहब जो कुर्सी पे बैठे इनका क्या आ रहा है? मैं बताती है, इनका हर हफ्ते चेक पे चेक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। Hi Diya, very nice, you very beautiful, huh? I like you. I stay Nala Sopara? Yeah. हाँ, उधर एक मिर्जा जी है, वो आपके बहुत बड़े फैन है। अच्छा। हाँ, उन्होंने दिया के लिए कुछ दिया है। दिया के लिए क्या दिया है? पता नहीं, मैं खोल के देखूँ। मिर्जा जी ने दिया के लिए दिया दिया है। वाह, come on.
मिर्जा जी ने मेरे को दिया दिया, मैंने दिया को दिया दिया. I love you, दिया. I love you too. Very nice. I like. Thank you. Very nice. Thank you. हमारे घर में ऐसे रहते जूते मामा के. Very nice. तू ना ऐसे जाएगी नहीं फालतू में तंग करने. सिक्योरिटी बुलाता हूँ मैं जरा. सिक्योरिटी एक मिनट तापसी. क्वेश्चन, अगर सिक्योरिटी गार्ड को चक्कू मारो पेट में तो कोर्ट में कौन सी धारा लगती है? इनको क्या पता? इन्हीं को सब पसारे तो कोर्ट का फिल्म किया इन्होंने. इनको नहीं पता रहे, किसको पता रहेगा. लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को वो सुरमा बहुत पसंद है. थैंक यू. हाँ तो बहुत अच्छी फिल्म थी. नहीं नहीं फिल्म की बात नहीं, सुरमा लगाना पसंद है वो बोल रही है मैं. आई एम सॉरी, वो मैं देखी नहीं थी. मैं ऐसा खुल ऐसा झूठ नहीं बोलती. हम लोग आके कुछ भी नहीं बोलते जाने का ऐसा ऐसा. हाँ मेरे को पिंक भी बहुत पसंद है. पिंक लिपस्टिक लगाती है. नहीं फिल्म की बात करें, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को? होमवर्क करके नहीं आता क्या तू? कुछ भी बोलते रहते. सपना दिया जी पहली बार आई है तो कैसी बातें कर रही थी? कोई अच्छी बात? हाँ मेरे को मैम आया ये एशिया मिस एशिया पैसिफिक. कौन सा? मिस एशिया पैसिफिक. हाँ वो मिस एशिया ऐसे से ऐसे से ऐसे से. हाँ वो मेरे को बनने के लिए थोड़े चिप्स दो ना. चिप्स नहीं होते हैं. हाँ तो मैं टिप्स होते हैं. मेरा कोई गलती नहीं है. अर्चा जी ने बोला था कि चिप्स ही मांगना. चिप्स से पेट तो भरेगा ऐसा बोल रही थी मेरे को. मैं सच्ची बोलते हुए अवार्ड फंक्शन ले था ना आपका उधर सीसीफिक में, तो मैं भी उधर थी. अच्छा. मैं 10 मिनट लेट हो गया वरना मेरे को भी अवार्ड देने वाले थे वो लोग. जैसे उन्होंने अनाउंस किया ना एंड द विनर इज, इसकी दाढ़ी निकल आई. अपनी कहानियां सुनाती जा रही है. उनकी फिल्म की कोई बात करना. उनको सुबह से सर मैं प्रमोशन कर रही है मालूम है पिक्चर का. अच्छा. हाँ मैं सुबह उठी सबसे पहले दूध वाले को थप्पड़ मारा मैंने. हाँ फिर पेपर वाले को थप्पड़ मारा, ऑटो वाले को दो दो थप्पड़ मारा. सुबह से प्रमोशन चालू है हम लोग का. ऐसे कौन करता है प्रमोशन? हम लोग नाला सुपर में ऐसे ही करते हैं. भट्ट साहब की वो मर्डर फिल्म आई थी ना, उसके प्रमोशन के चक्कर में तो 3-4 लोग अंदर है अभी भी नाला सुपर में. फिर भट्ट साहब का मेरे को बाद में भी फोन आया, बोले अभी मेरी जहर पिक्चर आ रही. मैं बोली ना बाबा इसका प्रमोशन नहीं करेंगे हम लोग, मरने का क्या मेरे को. तो अगर कल को फिल्म आ जाए डाकू हसीना तो डाकू बन जाएगी? नहीं मैं हसीना बनूंगी. क्योंकि डाकू का तो सब जानते डाकू कौन है. और ये करके ऐसा 4 बंगला आ गया. और सब मंगल? नहीं मैं डाकू मंगल सिंह के बारे में पूछ रही थी ना. आप तेरे को मालूम है कप्पू इनका डाकू मंगल सिंह के साथ राखी का रिश्ता है. अच्छा? कैसे? हाँ वो इनको राखी बनता है, ये उसकी रक्षा करती है. क्या तू घुमा फिरा के बातें बोल रही है? हाँ तो क्या डायरेक्ट बोलूंगा कि आप ही डाकू मंगल सिंह? अच्छा लगता है वो हमारे जय जय. मैं अर्चना जी सॉरी मैं इतना बोलती आपको, मैं क्या ऐसा घुमा फिरा के बात करती है? ये मेरे से एकदम सीधू सीधू सीधा सीधा बात करवाता है. मैं बता रही सर उधर नाला सुपर में हम लोग बिजनेस खोल रहे हैं जी, तो वो मैं बिजनेस आपके साथ करेगी मैं डिसाइड कर लिए. इनके साथ क्यों? क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था अनुभव के साथ काम करोगे तो सफलता मिलेगी ऐसा बोली थी मेरे को. खैर एनीवे सर आई हैव ब्यूटी पार्लर, आप तो आए मैम इधर आए ब्यूटी पार्लर. अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास. तो हमारे पास एक सुरमा मसाज है. इसमें क्या होता है? इसमें उधर मेरा छावा है मुकेश. तो उधर हम लोग का धंधा है डुक्कर वॉशिंग सर्विस का. पिग लोग रहते पिंक कलर के से, उन लोग को धोने का काम है. तो सुरमा मसाज में क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस में लेके जाते हैं, फिर उसको तेल लगाते हैं, फिर सुअर की माँ को बुलाते हैं. सुअर की माँ को क्यों? सुअर माँ मसाज है ना, तो सुअर की माँ ही मसाज करेगी ना ऐसा बोली मैं. अभी दूसरा वाला तो और भी है वो तो.
अनुभव जी ये वाला सुने बहुत मजा आएगा आपको. मैम की एक फिल्म आई थी तहजीब, वो मैसेज है हम लोग के पास. उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को तेल लगा के एकदम योगा करा के फ्लेक्सिबल करते हैं, फिर उसको तय करते हैं. और जीप जीप जैसे तय करते हैं उसकी जीप भर जाती है. समझा मैं? ये दम था इसमें तो, है ना? अच्छा था ना मैम. कैन माय टाइम तो हम लोग चलते मैम. ओके बाय. लास्ट टाइम यू कम योर फ्रेंड भूमि पेन देकर ना. हाँ वो भूमि आई थी, वो मेरे को पेन देकर गई मैं अपना. तो अगर आपसे मेरे को थोड़ा पुन्नू मिल जाता तो क्या मैं चार पुन्नू की स्क्रिप्ट बना लेती. देना है मेरे को नेक्स्ट टाइम. ओके बाय. कयामत रियली जबरा दुख गया मतलब सब कुछ. मैं दिया के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन बाकमाल एक्टर तो हैं ही, साथ में ये एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारे काम करती हैं. यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें इंडिया के लिए एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है. सो दिया आप जरा डिटेल में बताएंगे कि आप और क्या क्या कर रही हैं. आई थिंक अगर बड़ी सोच को सिंपल करने की कोशिश किया जाए तो यही है कि पर्यावरण, वातावरण जी, इनसे जुड़ी हमारी जिंदगी है जी. अगर स्वास्थ्य बनाना है, प्रगति की ज़रूरत है. हम सब चाहते हैं कि प्रगति हो देश में ही नहीं दुनिया में. लेकिन असली मायने में प्रगति वो है जब पर्यावरण और जो ह्यूमन बिहेवियर है, जिस तरह हम जी रहे हैं, जिस तरह हम कंजम्पशन कर रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं, वो नेचर से जुड़ी हुई हो और एक बैलेंस में हो. क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जो सबके ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है जी. तो अगर प्रदूषित हवा हो या प्रदूषित पानी हो या प्रदूषित खाना हो, हम सबका स्वास्थ्य उसमें बिगड़ता है. तो रोज़ाना ज़िंदगी में हम सब छोटे छोटे वो काम कर सकते हैं जिसमें बहुत बहुत बदलाव लेकर आ सकते हैं. तो यू कैन स्टार्ट सिंपली, जैसे कि घर पे गीला और सूखा कचरा अलग करें. अगर आप कचरा कॉम्पोस्ट कर सकते हैं तो कॉम्पोस्ट करें. सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग बंद करें. और फिर धीरे धीरे ये जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें, क्योंकि वी कैन ऑल मेक अ डिफरेंस. एब्सोल्युटली. जैसे हमने अभी दिया, पूरी हमारी टीम ने, सब आर्टिस्ट और जो बैक स्टेज जो भी क्रू काम करते हैं, हम सब ने एक कैंपेन चलाया था जैकी दादा के साथ. तो सबने एक एक पेड़ लगाया और आगे हमने तीन तीन लोगों को नॉमिनेट किया. सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है. आप बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए. आइए तापसी, आइए दिया, अंदर सर आइए. सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिल्म थप्पड़ की पूरी टीम के लिए. थैंक यू तापसी, थैंक यू दिया, थैंक यू अनुभव सर फॉर कमिंग. बहुत मजा आया एंड ऑल द बेस्ट. हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू सो मच. अर्चना जी क्या लग रही हैं आप? वाह. अच्छा वैसे तो हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सावधान रहते ही हैं, कोई ऐसी घटना ना घट जाए. लेकिन कई जगहों पे सावधान रहने की ज्यादा जरूरत रहती है. कभी कभी आप देखना, आप अगर रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो, कोई बंदा आपके साथ ज्यादा फेमिलियर हो जाए ना, और बहन जी कहाँ जा रहे दिल्ली, तो समझ जाओ वो वेटिंग लिस्ट वाला आदमी है. वो आपकी आधी सीट पे बैठना चाहता है. और कई लोग भांप जाते हैं कि ये बंदा ऐसा है, तो वो फिर जो टांगे लटका के बैठे रहते हैं ना, वो झट से टांगे ऊपर करके ना पूरा फैल के लेट जाते हैं. लेकिन जो वेटिंग वाले होते हैं वो और ढीट होते हैं. वो फिर क्या देखते हैं, वो सीट की लास्ट वाला जो कोना रहता है ना इतना सा तीखा सा, उसी पे अपनी आधी तशरीफ टिका देते हैं, बैठ जाते हैं. फिर जो लेटा हुआ रहता है ना आदमी, वो फिर ऐसी जगह अंगूठा चुभोता है ना, फिर आदमी एकदम उठ के सावधान रहता है. लेकिन हमारी अर्चना जी भी बहुत सावधान रहती हैं. कहीं से भी आवाज आए ना, ठोक होते ही है ना कुर्सी पकड़ के बैठ. पर उस दिन आपने वो गलत किया कारपेंटर के साथ.
क्या क्या? अब वो कारपेंटर बेचारा कील ठोक रहा है, उसको कहती खबरदार ठोको ठोको किया दो। वो कह रहा मैडम हथौड़ी से तो ठोको ठोको की आवाज आएगी, साकी साकी थोड़ी आएगी। मैं इतना सावधान रहने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही बड़ी खूबसूरत, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। और आज हमारे बीच इसी फिल्म की स्टार कास्ट आने वाली है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने फिल्मों में अलग अलग रोल्स करके हम सबका दिल जीता है। प्लीज वेलकम बैक टू बैक हिट फिल्म में देने वाले यूथ आइकॉन, नेशनल अवार्ड विनर मिस्टर आयुष्मान खुराना। तेरी मेरी ये जवानी जैसे एक फिल्मी कहानी, दिलकशी का ये सफर है, दिल कहे करूं छेड़खानी। आयुष्मान पाजी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह, फुल टमाटो सूप लग रहे हो भाई। अच्छा मेरे को लग रहा था मैं संतरा लग रहा हूँ। मतलब समय इन बिटवीन, ब्राइट कलर में बड़े सूट करते हैं। भाजी आपकी 7 फिल्में बैक टू बैक हिट हो चुकी हैं, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, आपको लगता अब तक आपको एरोगेंट हो जाना चाहिए था? भाजी मैं एरोगेंट हूँ? अच्छा ऐसी बस एक्टिंग करता हूँ मैं, हम्बल हूँ अंदर से बहुत एरोगेंट। मम्मी व्हाई आर यू सो लेट? पैरी बहना जी, मम्मी पैरी बहना बोल रहे हैं आप। पाजी ये अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ। ये कह रही थी आप हमेशा हमारे शो पे प्रमोशन करने आते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल, पर आपको क्या लगता है कि आपकी सारी फिल्में हिट हो रही हैं, तो आप सच्ची फिल्में बड़ी कमाल की कर रहे हो, एक्टिंग बड़ी कमाल की कर रहे हो, कि ये शो आपके लिए लकी है? पाजी वैसे जब तक इस शो पे आते रहेंगे हमारी फिल्में चलती रहेंगी, जब तक यहाँ पे प्रमोशन नहीं होती लोगों को पता नहीं लगता हमारी फिल्म आ रही है। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग अस। थैंक यू। अच्छा फिल्म बाला में आयुष्मान पाजी को बालों से प्यार था, इस फिल्म में एक बालक से प्यार हो जाता है? सर बालक नहीं, सर बंदे से प्यार हो जाता है। हाँ, मतलब बंदे से। बालक बड़ा हो गया, युवक से व्यक्ति बन गया, युवक से प्यार हो जाता है। तो हम क्या समझे कि जब एक एक्टर की 7 फिल्में लगातार हिट हो जाती हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी हीरोइन की जरूरत ही नहीं है? हाँ इसका क्या जवाब दूं मैं पाजी, ऐसा है कि ये जो कहानी है ना हमारी जी, इसमें ये दिखाया गया कि प्यार प्यार होता है जी, चाहे लड़के से हो या लड़की से हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी मजेदार फिल्में हैं आयुष्मान पाजी की, जितनी भी फिल्में होती हैं, जैसे चाहे आप बाला का जिक्र करें या शुभ मंगल ज्यादा सावधान का जिक्र करें, सारी फिल्में कमाल की होती है। पाजी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बधाई हो भी आपकी फिल्म। थैंक यू। अच्छा वैसे कहा जाता है ना कि किसी खूबसूरत लड़की को देख के दिल में घंटी बजती है, तो इस फिल्म के हिसाब से दिल में क्या बजता है पाजी? नहीं नहीं मेरा मतलब शहनाई या गिटार, आई मीन व्हाट यू वांट टू से। पर बड़ी कमाल की फिल्म है भाजी, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही प्यारा ट्रेलर। आयुष्मान से ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त है कुछ और खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम फैंटास्टिक वर्सटाइल एक्ट्रेस मिस्टर गजराज राव एंड नीना गुप्ता जी, और इस फिल्म में आयुष्मान के जोड़ीदार बहुत ही टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जितेंद्र कुमार। बहुत स्वागत है आप सबका। नीना जी क्या बात है, मतलब आपको मेरे बाल अच्छे लगे? कट बहुत ही प्यारे लगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नीना जी जब नहीं आई तो सालों साल नहीं आई, अब आ रही हैं तो हर महीने आ रही हैं, इसे कहते हैं चस्का। गजराज सर और नीना मैम जब बधाई, सबसे पहले तो मैं मेरा दिल नहीं भरता सर, थैंक यू। बधाइयों के बाद इस फिल्म में भी ये मियां बीवी बने हैं। अच्छा ये पहली बार हुआ है ऐसे? एक्चुअली हीरो हीरोइन की जोड़ियां तो बड़ी हमने सुनी है, लेकिन माँ बाप की जोड़ी जो ऐसी हिट हो गई है उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद।
अच्छा जितेंद्र जो हैं ये इंटरनेट की दुनिया के जाने माने कलाकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आए हैं हमारे शो पे। जितेंद्र, आयुष्मान जो भी फिल्म कर रहे हैं लगातार सुपरहिट दे रहे हैं, तो जब ये फिल्म आपने साइन की तो आपने स्क्रिप्ट सुन के हाँ की थी कि आयुष्मान का नाम सुन के आपको लगा कि कपिल शर्मा शो में तो जाएंगे? आई थिंक आज शो में आने के लिए मैंने फिल्म साइन की। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। अच्छा ट्रेलर में आपने देखा आयुष्मान अभी तक अपनी फिल्मों में अपनी हीरोइन को ही किस करते थे, हाँ। इस फिल्म में आप जीतू को कर रहे हैं। हम ये मान लें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कोई भी हो। क्या सर ये सवाल का जवाब ना क्या बताऊं, एज एन एक्टर आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आप बिल्कुल किसी को भी किस करें। जीतू जो है ये आईआईटी खड़गपुर से हैं, पक्का? हाँ, पक्का। मैं डिग्री साथ लाया। तो ये किसी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा था कि वो पूछ रहे थे कि क्योंकि ये खुद आईआईटी के स्टूडेंट रहे कि ये रोल आपने इसलिए एक्सेप्ट किया, आप चेक करना चाहते थे कि दो समांतर रेखाएं मिलती हैं या नहीं। मतलब उन्होंने बोला भी था, कहते इन्फिनिटी में तो मिल सकती हैं, कम्युनिटी में मिल सकती हैं कि नहीं पता नहीं, आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं हाँ, ये तो चेक करना था कि जो ये थ्योरी है समांतर रेखाओं वाली वो सही है कि नहीं, और फाइनली ये स्क्रिप्ट ऑफर हो गई और पता चल गया कि हाँ समांतर होती हैं। अच्छा गजराज सर का मेरा किरदार इतना बैठा हुआ ना, अभी तो अलग कपड़ों में अगर नीले कोट में बैठे रहते ना तो मेरा दिल करता है थोड़े से इनको पैसे दूं, कहूं निजामुद्दीन की दो टिकट देना। वो करेक्टर इतना। सर गजराज सर बधाई हो, में आप खुद के जो कर्म कांड हुए फिल्म में कर्मकांड उसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे थे, अब बेटे की वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं यार मैं एक्टर बनने आया था कि शर्मिंदा होने? सही बात है, मैं मतलब स्क्रिप्ट चूज इस तरह से करता हूँ कि उसमें शर्मिंदगी है कि नहीं थोड़ी बहुत। पर बड़ा ही कमाल का काम करते हैं सर आप। सो दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े कुछ और अहम किरदारों को स्टेज पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मनु ऋषि चड्ढा, सुनीता राजवर जी और मानवी घगरू। तेरी मेरी ये जवानी जैसे एक फिल्मी कहानी, दिलकशी का ये सफर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से मेरा एक सवाल है कि आप गजराज जी, नीना जी, आयुष्मान सब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको द कपिल शर्मा शो में आके? ये सवाल दूसरे वाला जो उसका जवाब बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पहले वाले का सवाल ये हम भी दिग्गज है। Yes, I like that, bro. आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक हीरो नहीं, ये इसमें सब हीरो एक्चुअली पूरा परिवार ही हीरो, जैसे बधाई आपने देखी थी पूरा परिवार हीरो था, इसमें भी वही है। बहुत मजा आ रहा है सर, फिल्म आपकी सुपर डुपर हिट है। मनु ऋषि बहुत टैलेंटेड एक्टर है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे किरदार करते हैं। पाजी आपका नाम इतना प्यारा है ना, मनु ऋषि, हाँ जब तक आपसे कोई मिला ना हो तो उसको ऐसा लगता है ये आदमी ऐसे बैठता होगा। जब आपको ओए लकी लकी ओए में चोर का करेक्टर मिला तो आपने कहा नहीं यार मेरे नाम के साथ कोई धार्मिक वाला कोई करेक्टर दो? था, मैंने कहा मुझे लकी वाला दे दो। अच्छा, इनका शक्ल के हिसाब से मिलते रहे। सुनीता जी आप एनएसडी से है ना? जी। अच्छा सुनीता जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, और पहली फिल्म में माँ का रोल आपने निभाया था, स्त्री में भी आपने माँ का किरदार निभाया था जी, बाला में भी आयुष्मान की माँ बनी थी, तो ये एनएसडी के दिनों से आपको माँ बनने का शौक? नहीं, माँ के रोल करने का। कुछ कुछ लोगों की शक्ल पे लिखा होता है ना बचपन से, माँ बहन वो मैं हूँ। पर आप बहुत प्यारी लगती हैं जो भी किरदार निभाती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानवी आपको कहीं कहते हुए सुना था कि आप अगर रोमांटिक सीन करेंगी लाइफ में कभी तो सिर्फ रणबीर कपूर के साथ करेंगी। मैंने तो कभी नहीं बोला है, तो फिर पैग वैग मार के इंटरव्यू ना दिया करो। नहीं मैंने बोला रणबीर कपूर, ये नहीं कि किसी और के साथ नहीं करूंगी। ओके ओके, तो अब आप कह रही किसी से भी, तो ये आयुष्मान की संगत का असर कह सकते हैं?
क्या बना दी है आपने क्या? मानवी कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली। दिल्ली? मतलब मैं कश्मीरी हूँ, from दिल्ली। मैं कसम से मैं बोलने वाला था कि ये कश्मीर या हिमाचल की लगती हैं आप। ऐसा कच्चा सेब ही ला के रख दिया। ये जो ऐसे ग्लो होता है, ये जो चमकती है स्किन, ये क्या मतलब कश्मीरियों की तो वैसे ही होती है ना? हाँ। कि कुछ एक्स्ट्रा आप स्पेशल हाँ। कोई फल फ्रूट खाते हैं? कोई ऐसा फ्रूट नहीं खिला सकते गजराज सर के चेहरे पे भी ग्लो आ जाए? जितेंद्र की कोटा सीरीज, जितेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, बहुत कमाल की सीरीज है। उसके बाद से आपको सब जीतू भैया बुला रहे हैं। हाँ। तो ये गुस्से में तो नहीं कहीं आके आपने आयुष्मान को हीरोइन ले लिया? यार मैं, लड़कियां भी मेरे को भैया बुला रही हैं, मैं जाके रोमांस करूंगा हीरो के साथ। हाँ थैंकफुली यही हुआ है कि मैंने आयुष्मान के साथ फिल्म की ताकि भैया वाला टैग हट जाए। क्या दीदी वाला जाए? कपूर शर्मा मैं किधर रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं आ गए? क्यों? बधाई होगा तो किया ना हम लोग पहले। अरे यार ये शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए आए। ब्रो, इनसे ज्यादा सावधान तुमको रहने का जरूरत है। व्हाई ब्रो? नहीं, असल ये अर्चना जी कि आयुष्मान ना शक्तिमान से भी ज्यादा तेज है। ये जोर करके एक फिल्म कर दिया, फिर जोर करके दूसरा, लगातार फिल्म पे फिल्म आ रहा है। लेकिन अब उधर के शक्तिमान तो सिर्फ गंगाधर बनते हैं, इनको देखो, कभी ब्लाइंड बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी बाला बनते हैं। कपूर शर्मा बहुत जल्द ना ये कपूर शर्मा बन के तुम्हारा सिंहासन पे भी बैठ जाएंगे। तुम्हारा हेलो एंड वेलकम छीन लेंगे तुमसे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तेरा नाम अच्छा है, कभी बातें भी अच्छी कर लिया कर। तुम्हारा नाम शर्मा है तो तुम शर्मा शर्मा की बातें करते? ये क्या लॉजिक हुआ ब्रो? उसका नाम पांडे, वो पांडे दे के बातें करते हैं। लेकिन आयुष्मान जी, एवरीवन, ये मेरा खुश संदीपी है कि मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे और आयुष्मान जी मैं रियलाइज किए ट्रेलर देख के ये फिल्म में आप वो है वो वीट, वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं। हाँ आप वो है गेहूं। हाँ। मैं ब्रो, लेकिन मैं आपको गारंटी देते हैं कि आपका यह फिल्म 377 करोड़ कमाएगी। तेरे को कैसे पता? क्या ये इनका कानूनी अधिकार है ब्रो? 377, you know what I mean? You know what I mean? Oh bro, yeah. लेकिन सर, मैं आप गाना वाना आप जो गाते हैं ना, oh man, वो सादी गली आपके गाने थे? मैं जितनी बार भी सादी गली सुने हैं मेरा मोहल्ला निकल गए। लेकिन आपका एक्टिंग ब्रो, क्या एक्टिंग करते यार, आपका एक्टिंग एकदम वो है, वो ब्रो वो गुवाहाटी किधर का कैपिटल है? असम। असम एक्टर यू आप? असम, दैट इज असम। तेरी इंग्लिश तो अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? वो चारों तरफ से पंजाबी लोग ने घेर के रखे। इंग्लिश मेरे खराब नहीं होएगी तो क्या होएगी? लेकिन वो मैन जीतू जी इज ऑल्सो हियर। जीतू जी, for you I'll do something. तुझे थोड़ी ना ये digital star जीतू। I know that. मैं देखे आपको digital पे, bro. आप digital star है. तो मेरे को एक बात बताओ कि ये film जब आप sign किए तो producer आपको पैसा दिए के like, share और comment करके छोड़ दिए? या फिर आप ज्यादा जिद किए तो वो आपका बेल आइकन दबा दिए? वंडरफुल। एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरे को भी मौका दो।
ये क्या कर रहा है? ये मैं इनको सब्सक्राइब किया, यही खुराक है डिजिटल लोग। बस कचुरा जी, आप इतना प्रतिभाशाली कलाकार है, देख के मेरे को बड़ा खुशी होते है, लेकिन आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए थे। किसके साथ छेड़छाड़ की उन्होंने? प्रकृति। किसके? प्रकृति ब्रो। प्रकृति। तुम ऐसा करो, तुम नेचर बोलो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। प्रकृति। 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 नेचर, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर। क्या है सर, बच्चा पैदा करने के एक प्रोसीजर होते है, आप अपना फिल्म में जो कविता सुना के आपको पता नहीं है, बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पता है आज का जनरेशन, आज का लोग ना हनीमून के लिए मसूरी नहीं जा रहे, वो लोग मुशायरे पे जा रहे हैं इनके वजह से। अच्छा ये क्या स्टुपिडिटी है, वो तो फिल्म के लिए था ना। तो मेरा भी जोक टीवी के लिए था ना। इसमें क्या है यार, बोल दे देखे। ओह मैन, ओ मनु ऋषि जी, आप ये अपना हिमालय से कभी उतरे? नहीं मैं ऐसा ही बोला कि ऋषि मुनि लोग ऐसा हिमालय पे जाते हैं, बैठते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, अपना जैकी दादा है ना बिड़ू वाले, एक बार उन्होंने इनका तपस्या भंग कर दिए थे। क्यों? अरे क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने उनको श्राप दिए, तभी तो वो जैकी श्राप बने। मेरा दिमाग में ऐसा माइक जोक आए तो मैं फेल दिए, मैं फेल देते। तू यहाँ करने क्या है? मैं सर क्या है, मैं आपको सच बताते हैं कि मैं शादी करके अब लंदन जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बुगुर्जो का आशीर्वाद लेने आए हैं। बुगुर्जो का? बुगुर्ज होते हैं, हमारे बड़े बुगुर्ज बिल्कुल सही। नहीं नहीं, बुगुर्ज ही होते हैं, बुजुर्ग। मैं उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये तो बता किस लड़की का बेड़ा कर रहा है? अब मैं क्या बताए उसके बारे में। सूरज भी उसके आगे ठंडा लगता है, हाय हाय। चांद भी उसके आगे फीका लगता है, गुलाब जामुन उसके आगे तीखा लगता है। तू चेक करा, तेरे को बुखार ना हो। सूरज तेरे को ठंडा लगता है, फलाना गर्म लगता है। ये बुखार नहीं है, प्यार है दोस्त। हाय हाय। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। सोनी के होस्ट। सोनी के होस्ट। जिसको देख के होता है कुछ कुछ, है कौन वो? वो मैं। मंगल, ज़रा सावधान की पूरी टीम को चंदू का नमस्कार। 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 गजराज जी, नीना जी, सबसे पहले हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे इतना बुड्ढा क्यों बना रहे? ताकि हम सदा स्वागत रहें। सदा स्वागत। ओए चंदू, ये चल क्या रहा है? शुभ मंगल, ज़रा सावधान। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कपूर शर्मा, चंदू अब चंदू नहीं रहा। क्या रहा? हिमसेल्फ इज मिस्टर अच्छा एंड हिमसेल्फ इज मिसेज अच्छा। वाह, अब आएगा चीकू पपीते के नीचे। ये हुआ कैसे? लेकिन कुछ नहीं कपूर शर्मा, मैंने लंदन जाना था, हाँ, इसलिए मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। कूल कूल बेबी, कूल कूल, रिलैक्स। जब सब तैयारी हो गई लंदन जाने के, अब वीजा लिया? वीजा नहीं, जीजा है, वो चलेगा। ठीक है, फिर तुम ना जीजा के ऊपर बैठ के जाओ लंदन। इधर मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है लंदन जाने के, और तुम्हें इधर मजाक सूझ रहे हैं। और जिसको लुधियाने का नहीं पता, तू उसको लंदन लेके जा रहा है? ए, लंदन का वीजा लुधियाने से लगता है? कैसी बातें कर रहे हो कपूर शर्मा? लुधियाने का भी मेरे को पता है, लंदन का भी मेरे को पता है। अच्छा, देखना जिस दिन मैंने महारानी के साथ ना बलविंदर पैलेस में बैठकर मैंने डिनर करना है ना। बलविंदर पैलेस नहीं, बर्मिंघम पैलेस।
चलो वैसे तो वो बकिंगम पैलेस है। एनीवे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये सब बात करो, मैं आपको बताती क्लियर डील क्या है। बेसिकली मेरे को लंदन में, मैं लंदन में रहते हैं ना, तो मेरे को लंदन में नौकर चाहिए और इनको लंदन का वीजा चाहिए, तो मेरे थ्रू इनको वीजा मिलेगा और इनके थ्रू मेरे को नौकर मिलेगा, तो हमारा डील हो गए है अभी। ओ मैं देखे भालू। मैं देखे भालू। चंदो, चंदो, सिक्सर है ये। ओ मेरी बात सुनो, अपने बटर हाफ से तुम काम कराओगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? बटर अनपढ़ता ग्रहिस्त इंसान, पहले ये बात को समझो, बटर हाफ नहीं होते हैं, बटर नान होते हैं, बटर हाफ होते हैं। और वैसे भी उधर जाके लंदन में ना काम करने पड़ेंगे। अच्छा, उधर का क्वीन एलिजाबेथ ना तुम्हारा फूफी नहीं है कि मक्के की रोटी सरसों का साग बना के तुमको देंगे, मेहनत करने पड़ते हैं लंदन में। इतिहास गवाह है, चंदू ने जब जब भी खाया है अपनी मेहनत का खाया है, ऐसे नहीं करोड़ों फैन बना लिए मैंने। चंदू करोड़ों फैन, चंदू 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 ब्रो, ये बात सुन के मेरा तो हाथ से विनोद निकल गए। ये आदमी ने, आपका दोस्त ने अपना मेहनत का खाए। चलो ठीक है, एक बार को ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन मेरे बात सुनो, एक बार उधर पहुंचेगी ना तो उधर आपको घर के सारे काम करने हैं, मतलब लाइक चूल्हा और क्रिकेट में एम्पायर ऐसे ऐसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चौका, चूल्हा चौका सब आपको करने है घर में, नहीं तो मैं आपका चौका छक्का मार देंगे, समझे? काम करो चल के। तो मैंने भी फिर आपकी वो कर देनी है। क्या यार, कोट पैंट पे यहाँ क्या लगाते हैं? तो मैंने पिटाई कर देनी फिर आपकी भी। मेरा जैसा जोक ये क्यों मार रहे? क्यों मार रहे? बेटर हाफ है। नहीं नहीं, मैं एक मिनट है, देखो तुम अपना जोक पे ऑडियंस को हंसा लो, ऐसे तो हो नहीं सकते। अच्छा। और मेरा जोक पे तुम ऑडियंस को हंसा दो, ऐसा मैं होने नहीं देते। ऑलराइट ब्रो, इसलिए ये ना डील अभी कैंसिल, तुम जाओ, निकलो निकलो, किसी और को ढूंढो, मैं तुमको लंदन नहीं लेके जा रहे, जाओ। ओ सांता क्रूज से ज्यादा फैले हुए इंसान। तुम भी कोई टॉम क्रूज नहीं हो जो मैं मरा जा रहा हूँ, नहीं रखे जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे साथ मैं पर्सनली हो सकता, फिजिकल तो मैं हो नहीं सकता हूँ। जिस हिसाब से तुम्हारा क्षेत्रफल है ना, तुम कपड़े पहनते थोड़ी, तुम तो कपड़ों में फंसते हो। गजराज सर, जब ये सिल्क का कोई कपड़ा पहनता ना, रेशम के कीड़ों की चीखें निकल जाती हैं। और ये जब ऊन का कपड़ा पहनते हैं तो भेड़ जाके अपने मालिक को उधेड़ देते हैं कि इसके लिए मेरा मुंडन किए थे। नाराज होने का इतना घमंड नहीं करते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है फिर, नहीं लेकर जाना मत जाओ। चंदू यहाँ पर ये प्रण लेता है कि वो लंदन जाएगा जाएगा, चाहे वो समुद्र के रास्ते से पैदल क्यों ना जाए। जा रहा हूँ मैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक आपकी फिल्म को, थैंक यू सो मच। ओके बाय, थैंक यू सो मच। नहीं लेके जाएंगे मैं इसको, मैं ना लेके जाएगी इस आदमी को, वो जाएंगे पानी के रास्ते तो गीला होके पहुंचेगे उधर। आए बड़े, मेरे को फोन आए सर, मैं बहुत बिजी आदमी, मेरे को फोन आते रहते हैं, एक मिनट मैं, if you don't mind, can take the call? Yeah. It's James Bond. आपको पता है James Bond? James Bond, उसका फोन आया। Yeah, James? Yeah, मैं आ रहा है, London में आ रहा है यार, सबर करो। और मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा body wash लेके आ रहा है, उससे क्या है, 99% germs मर जाएंगे। नहीं नहीं, bro, तुम नहीं मर जाएंगे, तुम्हारा शरीर में तो germs है, like कीटाणु, वो मर जाएंगे, हाँ। और बहुत ही एक्सपेंसिव बॉडी वॉश है, उसका हर एक बोंड बहुत कीमती है, समझे? अब बोंड बोंड से स्वागत बनता है, पता है तुमको ये बात, राइट? ये ऑलराइट जेम्स बॉन्ड, तो मैं पूछ रहे हैं, मैं आ रहे हैं लंदन, ऑलराइट चलो मैं फोन काट रहे हैं। सर मेरे को जाने हो गए, मैं जा रहे हैं, मैं बोलेंगे आपसे फिर, ऑलराइट टेक केयर, लव यू, लव यू, या ब्रो, मैं बोलेंगे, ओके सी यू ब्रो, या तो दर्शकों, फिल्म का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान।
तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में किन किन बातों को लेके सावधानी बरतते हैं, आप अपने अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी हाय कपिल, मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं बहुत बिंदास हूँ, तो किसी चीज से सावधान रहती नहीं हूँ। अच्छा जी। बट हाँ, आजकल एक चीज है जिससे बहुत सावधान रहती हूँ। किससे? एक्चुअली क्या हुआ, दो हफ्ते पहले ही मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई है। ओ। तो अच्छा। और वो भी 30-40 या उससे भी ज्यादा लड़के इधर उधर करने के बाद। तो अब मेरा नंबर हो गया है, तो मुझे लगता है कहीं घूम फिर के वही जो 30-40 लड़के हैं मेरे लिए ना आ जाए। तो वो आपको आपको भी पसंद नहीं थे जो सिस्टर नहीं, आपको सिस्टर रिजेक्ट कर दिए तो मुझे क्यों पसंद आएंगे? आई हैव अ हायर एक्सपेक्टेशन। फिर भी बताइए, आप हमारे तरह हर प्रकार के लड़के हैं। अर्चना जी, अर्चना जी का मैरिज पार्लर भी आपको पता है? आप बताइए। मुझे स्मार्ट चाहिए, पैसे कमाने वाला चाहिए, ऑफ अ हाई लेवल। आप चल जाते बट थोड़ा सा स्लिम होते तो। दो महीने का टाइम दो। वैसे भी आपकी शादी तो हो चुकी है ना? शादी तो घर पे हुई, इधर थोड़ी हुई है। As of now, आयुष्मान जैसा मिलेगा तो चला लूंगी। आयुष्मान की भी शादी हो गई है। फिल्में भी ये बंदा करे, नेशनल अवार्ड भी ये बंदा ले, ऑडियंस भी, मैं हम हरिद्वार चले जाएं। इनकी भी शादी हो चुकी है। शादी हो गई। तो बोला लेकिन चला लूंगी। आप चला तो हमारी क्या डेट एक्सपायर हो गई है? हम क्यों नहीं चल सकते भाई? अभी आप फिर मतलब अभी क्या चाहती हैं आप? मतलब अब तो सब कुछ बता दिया। गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, प्राइवेट बिजनेस वाला चाहिए, कैसा चाहिए आप मेरे को बताएं, मैं नोट कर लेता हूं। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूं तो प्राइवेट वाला भी चल जाएगा। आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं? एक्चुअली भी मिल जाए, चल जाएगा। मेरे भाई से कर लो। अरे आपको घर ढूंढने की जगह नहीं, इसके पेट पे इतनी जगह है जहां मर। पर आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपके पीछे जो, अरे साहब बैठे, सर कैसे हैं आप? वाओ, डाउन भी आए हमारी ऑडियंस। कपिल जी। जी सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस अवसर पर, शुभ मंगल मैं अवसर पर पहुंचा हूं। आपको बाला का टाइम आना चाहिए था। कपिल जी, ये मेरे लिए इतनी शुभ बात है कि जब आपका शो जो है डिसकंटिन्यू हुआ था जी, ये एक ही दिल है, सारी पृथ्वी पर आप नापोगे, वो दुखी था, और आज मैं इतना खुश हूं आपके कमबैक से। यू हैव मेड सच अ बिग कमबैक, घर घर की धड़कन है आप, सारे हिंदुस्तान की नहीं सारी दुनिया की धड़कन है। कपिल जी, मैं कपिल जी, कपिल जी, चार लाइनें बैठे रहिए सर। मैं वहां आकर जो मेरे दिल के करीब हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कपिल जी और ये, अरे सर, आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मेरे को मौका तो दो पूछने का। वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपनी उम्र से नहीं, अपने काम के ओहदे से बड़ा होता है। आई लव यू सर, आई लव यू कपिल जी, आई लव यू। थैंक यू सर। मैं कपिल जी के लिए, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल टीम, और चार लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है। आप इलेक्शन लड़िए जी। मतलब कितना अच्छा बोलते हैं। कमबैक है, समंदर में हम, समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं, समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के मरते हैं, यूं झूम के मरते हैं, के जी जाते हैं। तुम वो हो समंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो हैं जो समंदर को पी जाते हैं, पी जाते हैं, पी जाते हैं। क्या बात है सर, लव यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात। सर जी, नाम तो बताते जाइए अपना। रजिंदर थापर।
थापर साहब जैसा आप में जोश है मुझे लगता नहीं आपकी शादी हुई है. अच्छा पर आप बड़ा प्यारा बोलते हैं सर. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू सर. शुक्रिया. आइए सर. छा गए आप. क्या जोश है यार. और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना. जी भाई साहब माइक दे दीजिए इनको. नमस्कार सर. नमस्कार जी. मैं नील सिंह पानू पिथौरागढ़ उत्तराखंड से. वहां से पिथौरागढ़. और सर मैं भारत तिब्बत सेवा पुलिस का जवान हूँ. अरे वाह क्या बात है सर. जहाँ तक सावधानी की बात है सर, देश का जवान होने के नाते देश की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा 24 घंटे सावधान रहता हूँ सर. सो प्राउड ऑफ यू सर. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर. शुक्रिया शुक्रिया. देश की सीमाओं लास्ट सीमाओं पर जहाँ बर्फ टेम्परेचर -35-40 तक रहता है सर, वहाँ पर हम लोग आपका शो 100 रुपए की प्लेट होती है उसकी पूरे दिन उसे चार्ज करते हैं. रात में हम आपका शो देखते हैं वहाँ पर. बहुत अच्छा लगा सर कि अगर हम लोग सर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं. सपना था सर आपके शो में आने का, लेकिन सपना पूरा हुआ सर. बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका. बहुत बहुत. और मेरे साथ मेरे भाई हैं सर, उत्तराखंड के सिंगर. दो लाइन हमारे उत्तराखंड के लोकगीत के सर सुनाना चाहेंगे सर. यस गोविंद दिगारी जी. थैंक यू सर. नमस्कार आप सभी को. नमस्कार. नमस्कार सर. दादा बी फ्लैट. वाह फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली ओ लटी पटी मैं थमलो रिती कली ओ लटी पटी मैं थमलो रिती कली फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली फुल क्या पतौली ओ लटी पटी मैं थमलो रिती कली ओ लटी पटी मैं थमलो रिती कली. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. और अभी आप छुट्टी पे हैं सर. अभी सर मैं छुट्टी पे हूँ 9 तारीख तक. अच्छा जी. अभी हम लोग अरुणाचल गए थे वहाँ पे जो इंडो चाइना बॉर्डर है. अच्छा सर. हम लोग बुमला पास गए थे सर. लद्दाख में पोस्टेड हूँ सर. अच्छा जी. लद्दाख से भी 250 किलोमीटर आगे सर. वाह चलिए बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो पे आए. धन्यवाद. थैंक यू सर. जय हिंद सर. सर आपका सलूट का फैन हूँ सर. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा. जी मैडम. हेलो. हाय. हेलो. हाय कपिल सर. हाय अर्चना मैम. हाय अश्वन सर. हाय हाय हाय. आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो. आप बहुत अच्छे लग रहे हो कपिल सर. थैंक्स बेब. शुक्रिया. ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे. ये कलर ना आप संतरा नहीं ये तो रोज का कलर होता है ना जिसे प्यार लव. मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ. अच्छा तो वहाँ पे ही मैं आपकी स्माइल पे फ्लैट हो गई थी वैसे. तो वहाँ बताया क्यों नहीं तब मेरी शादी नहीं हुई थी. मेरे पापा भी साथ आए हैं तो. अरे मैं आपका नाम ही नहीं पूछा. आपने क्या नाम. भाविका शर्मा. भाविका देखो नाम ही शर्मा है. शर्मा कितना अच्छा है. तो जी भाविका आप किस चीज से सावधान रहती हैं. जी एक्चुअली मुझे कोई सावधान वावधान का कोई किस्सा नहीं है. अच्छा जी. वो मैंने आयुष्मान सर के साथ डांस करना है. आप लड़की क्लियर है साफ स्पष्ट. आई लाइक यू टू. आइए सारी तारीफें कपिल की कर दी. आयुष्मान सर के साथ डांस कर रहा है. मैं बताया ना आपको मेरे साथ ऐसा ही होता है सदियों से. नाइस टू मीट यू. भाविका आप तारीफें मेरी करके एकदम से डांस के लिए आपने आयुष्मान को जो बुलाया. जी और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा. जी मैडम. नमस्ते आंटी. माइक दे दीजिए मैम को. कपिल जी और अर्चना जी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. आप सब लोगों का अभिवादन करती हूँ. मैं बहुत दिन से मेरी इच्छा थी इस शो में आने की, इसलिए मैं भोपाल से आई हूँ. मेरा नाम सरदार कौर कक्कर है. मैं कविता लिखती हूँ. मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था कि जब मैं बहुत निराश थी, रोती रहती थी पूरे टाइम, दुखी थी. तो मेरी बेटी ने कहा आप कपिल का शो क्यों नहीं देखते. मैंने भी सोचा अच्छी बात है, देखते हैं कैसा है. तो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हंसी आ गई. उसी दिन मैंने दूसरे दिन कविता लिखी. वही छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ. प्लीज. होठ खामोश थे, आंखें रहती थी नम,
मुस्कुराने की आदत सी क्यों हो गई, कुछ ख्यालों में गुम यूं ही रहते थे हम, गुनगुनाने की आदत सी क्यों हो गई। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक संदेशा देकर के दिल भर गया, कपिल के लिए है जी। एक संदेशा देकर के दिल भर गया, वो खुशी से मेरी जिंदगी भर गया, पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर, पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर, उड़ के जाने की आदत सी क्यों हो गई, होठ खामोश थे आंखें रहती थी नम, मुस्कुराने की आदत सी क्यों। क्या बात, बहुत वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी खूबसूरत कविता सुनाने के लिए। आपको पता है आयुष्मान पाजी बहुत पोएट्री को बहुत पसंद करते हैं और ये खुद भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। पाजी कुछ हो जाए यार, कुछ नया, आप ट्विटर पे देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आता रहता है। ऐसे ही माहौल बना दिया मैडम ने। पाजी ऐसा कि मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, मेरे मोबाइल पे है तो मैं मोबाइल मंगवा। जी जी प्लीज प्लीज, आयुष्मान पाजी का मोबाइल कहाँ है? एक कविता मैंने लिखी थी अज्ञात, अज्ञात शीर्षक अज्ञात है। अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है, अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है, अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा एक ख्वाब है, अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आब है, वाह मेरी हैसियत कुछ नहीं, कोई अज्ञात ही लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात। तो अब हम बात करते हैं अफवाहों की। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती हैं। आयुष्मान, एक अफवाह ये कि इस फिल्म के बाद आप एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने वाले हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट आदमी का रोल करने वाले हैं। इज इट ट्रू पाजी? नहीं पाजी। तो ये अफवाह है, दर्शकों कृपया नोट करें। जितेंद्र, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आपको किस डे का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है। किस डे का? किस डे? आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गजराज सर, एक अफवाह ये है कि नीना जी का नाम आपने अपने मोबाइल में बीवी नंबर 2 के नाम से सेव किया है। कपिल, बीवी नंबर 1 यहाँ बैठी हुई है। कहाँ है? ये बैठी है। हेलो मैम। तो जरा ध्यान से अफवाह जो भी बोल रहा है तू। अफवाहें हैं ये, तो हम क्लियर करना चाहते हैं। वो बिल्कुल अफवाह, रोज मोबाइल शाम को चेक होता है। भाभी भी सावधान रहती है ना। सर शादी के इतने साल बाद भी चेक होता है मोबाइल? अरे वो तो मतलब मरते दम तक होगा। गंगा जल दे दो, पहले मोबाइल दो। मनु बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका पूरा नाम मनु ऋषि चड्ढा है, लेकिन लोग आपको सिर्फ मनु ऋषि के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि बचपन में एक बार आपका चड्ढा कहीं गिर गया था, इसलिए आपने चड्ढा यूज करके छोड़ दिया। ये कोई अफवाह नहीं है, सच्चाई है। गजराज सर, एक अफवाह और है कि बधाई हो के बाद से ना जो जवानी के कैप्सूल आते हैं उनकी डिब्बी पे कहते हैं आपकी फोटो लगने लगी। ऐसे ऐसे 2-3 ऑफर आए थे। सीरियसली? डिब्बियों पे फोटो लगवाने वाले। अच्छा। मैंने मना कर दिया, नहीं। अफवाहें देखिए कैसे कैसी फैलती है मार्केट में। मान भी आपके बारे में ये अफवाह है कि अगर आपको कोई चैलेंज दे दे तो आप चोरी भी कर सकती हैं। कहीं आपने ही बोला था कि अगर मेरे को किसने चैलेंज दे दिया? नहीं, अफवाह अफवाह। ओके आयुष्मान भाजी, एक अफवाह ये है कि स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम आप इतना फुदकते रहते थे कि आपकी जो वाइफ है उस समय आपको फ्रॉगी नाम से बुलाती थी। हाँ। ये बात सच है। ये कहाँ से पता चला आपको? देख लो भाजी, आप सुपरस्टार हो यार, आपको नहीं पता? अफवाहें फैलती हैं। तो ये क्यों फ्रॉगी बोलते थे, मतलब क्या? वही पाजी में बहुत बहुत एनर्जी थी, मतलब मैं पागल हो जाता तो कूदता रहता था, तो फ्रॉगी बुलाती थी मुझे। अच्छा, तो देख लो हमारी अफवाहें सच्ची भी होती है, ऐसी बात नहीं है। एक अफवाह और है जीतू जी आपके बारे में, आप अपनी शायरी के नीचे गुलजार साहब का नाम लिख के इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, ये बात सही है? ये हाँ अफवाह नहीं, ये बात सच। इनका आईडी है फर्जी गुलजार, फर्जी गुलजार, फर्जी गुलजार। तो क्या क्या दिमाग में है आपके, आपने ऐसा? नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ कविता लिखता हूँ और वो उतनी अच्छी होती नहीं है। प्लीज कम ऑन। तो ये बात हो जाए, बहुत अच्छी कविता लिखता है। अच्छा, एक बात हो जाए। तेरे रूह की खुशबू मौजूद है मेरी चादर की सलवटों में अब तक, हाँ तू आई नहीं यहाँ कभी, बस तेरा ख्वाब देखा था एक बार कभी यहाँ। क्या बात है।
ओके, तो इसी के साथ ही हमारे अफवाहें खत्म होती हैं। अफवाहें खत्म हो गई। जनता के ये सवाल है कि ये काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये आपको खाली हाथ यस और या नो करना है। आगे बांटते जाइए। कभी किसी का नाम मोबाइल में किसी अजीब नाम से सेव किया है? ओह सॉरी यस ऑब्वियसली मैं खुद यस देख रहा हूँ। आपने किसका नाम किस नाम से सेव किया है? मेरा दोस्त है रोचक कोहली, बहुत बड़ा कंपोजर है। पानी दा रंग, साडी गली, रिसेंटली गुड न्यूज के गाने से कंपोज किए हैं। तेरा यार हूँ मैं, सोनू की डिटू की वीडियो, उसने उसका नाम पोचा रखा हुआ है मैंने। क्यों? स्कूल का बचपन का दोस्त है तो रोचक को हम पोचा बुलाते थे स्कूल में, तो पोचा रखा उसका। तो अब तो वो इतने अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अब चेंज कर दिया कि अभी नहीं, पोचा ही है वो। कभी कभी वो पता है क्या होता है, देना पड़ता है कॉन्टैक्ट किसी को, तो वो पोचा चला जाता है। जीतू आपने? मैंने भी, हाँ, एक बंदा था जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, तो उसका नाम DC++ करके सेव किया हुआ है। अब पहले दुनिया को समझा कोडिंग क्या होती है, DC++ क्या होती है। IIT खड़गपुर वाले सोचते हैं सबको पता सब कुछ। C++ लैंग्वेज होती है। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज। हाँ, तो उसका नाम दीपेश था, तो DC++ कुछ करके आया। नीना किसका नंबर सेव किया है? वो एक स्टॉकर था, बार बार फोन करता था, तो उसका मैंने सेव किया था नॉट, NOT, तो जब वो आएगा तो गजराज जी आपने? एक अपना इसका लोन या इंश्योरेंस का बंदा था, उसका पराक्रम नाम था, मेरे पीछे पड़ गया था, तो उसका नाम रखा था पकाओ पराक्रम। वो देख रहा होगा पराक्रम, अब कैसा लगेगा उसे। और गजराज सर मैडम का नाम आप फोन में आप किस नाम से सेव किया है? मैडम मैं नहीं, वो संजना। ओए होए संजना जी। ओके संजू चड्डा साहब। भाई सिंगल ना बड़ा लंबा चल रहा था मेरा, ना सिंगल रहना। अच्छा, तो मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई, हम बात करते थे, तो सब दोस्तों ने कहा बॉस ये तेरे से ना पड़ जाएगी, यही मौका है तेरे को। अच्छा, यही मौका है, तुझे बोलना ही बोलना है। तो मैंने उसका नाम मौका रख दिया। मैंने कहा मौका होगा ना तो फॉलो शिद्दत से करेगा आदमी। बाद में मैंने मौका ढूंढ के प्रपोज किया, आज मेरी बीवी है। वाह। और उन्होंने इनका नाम स्टोर किया मौका परस्त। मानवी मैंने बहुत सारे ऐसे, एक तो डोंट आंसर वाला है मेरा, नॉट टू पिक, हाँ डोंट आंसर वैसा। फिर एक ना, एक आई मेट दिस गर्ल एक पार्टी में, तो वो ना जब भी हम उसको मिलते थे तो उसके आसपास दो लड़कियां होती थी ऐसे, तो हम उसको बोलते थे ऐसे दो तितलियों के साथ क्यों आती है, तो हमने उसका नंबर एज तितली रख दिया था, उसका हर नेम इज सेव्ड, और वो एक्टर है लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। मैम आपने? मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना सीरियस मामला है कि मैं बता नहीं सकती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी किसी दुकानदार के साथ फोटो खिंचवा के उससे डिस्काउंट मांगा है? यस। और मानवी बोल रही है हाँ। मैं नहीं, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं डिस्काउंट मांग रही थी कि अरे इतना सारा मैं ले रही हूँ, कम करो। फिर उसी टाइम उन्होंने बोला आप तो वो TVF ट्रिपलिंग, मैं कहा हाँ, मैं कहा अब तो दे दो यार डिस्काउंट। तो उसने बोला उसने दिया डिस्काउंट। चड़ा साहब आपने? मेरा भी यही हुआ था, मैंने कहा ठीक ठीक लगा लो, कहते सर आपको देखा हुए लक्की लक्की में, मैंने कोई नहीं दे दो। नीना जी आपने कभी नहीं ऐसे किया? नहीं, मेरा ये हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चाहती थी कि वो मुझे पहचाने, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, कई लोग नहीं पहचाने तो मैं कैसे कहूँ। मैं एक बार एयरपोर्ट पे थी, मेरे को बीच की सीट मिली थी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं बीच में नहीं जाऊंगी, मुझे आइल या विंडो दो। उन्होंने कहा मैडम सब भर गया। तो मैंने कहा आपके बॉस कौन है? बोली वो है। मैंने कहा मैम प्लीज ना, आप मेरे को, मैं बीच में नहीं जा सकती। तो बोली नहीं मैम सब फुल है। मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं? तो दूसरी ने कहा मैडम एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस, अभी बधाई आई थी मैडम, बधाई हो। तो मैंने कहा आपने बधाई हो नहीं देखी? तो उसने बोला नहीं, पिक्चर्स नहीं देखती, आपने बधाई हो नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो साउथ इंडियन थी, उसने बोला आपने कोई तमिल पिक्चर देखी है? आई सेड ओके यू आर राइट, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर
नहीं, बाय चांस एक कोई फिल्म वाले जा रहे थे, एक एक्टर उसके साथ उसका स्टाफ था जो बैठा था बिजनेस में, उस बंदे ने फिर मेरे को अपनी जगह दे दी और मेरी जगह बैठा. मैं ही तो था. ना मैं भूल गई. तो आप किसी एक्टर के साथ स्टाफ में भी जाते हैं? अच्छा, कभी गीले नोट को प्रेस करके कड़क किया है? बहुत बार. नहीं, मैंने नहीं किया. हाँ, ये एक्चुअली बड़े बड़े लोगों ने किया रहता है. ओके, कभी छोटे बच्चे से कोई चीज छीन के खाई? ओ चड्डा साहब, किससे किससे छीन के खाई? बचपन में ना, एक हमारी गली में, पुरानी दिल्ली में जहाँ रहते थे ना, हाँ. मुरब्बे वाला आता था. अच्छा. हाँ. अब वो मुरब्बे बिकने बंद हो गए. हाँ. वो मुरब्बे का बड़ा दिल करता था कि 7 बजे के बाद आता है, एक दिन 7:30 बज गए, सारे खत्म हो जाते थे. अच्छा. तो एक छोटा सा सरदार हमारे साथ फैमिली रहती थी, उसने मुरब्बा रड़का ना मुंह में डाला, मैंने बोला आ, बोला आ, मैंने मारा सर नीचे गिर के पैर साफ करके खा गए. अच्छा, आपने प्लेस भी काफी किए हैं सबने, तो ऐसा कभी हुआ कि कुछ डायलॉग एग्जैक्ट जो था वो मन में ही नहीं आया और भूल गए आप और कुछ और ही बोल दिया? बहुत बार ये तो हुआ है. हम कर रहे थे जूलियस सीजर प्ले. अच्छा. तो उसमें एक कैरेक्टर था कास्का और एक था सिन्ना. तो क्लाइमेक्स से पहले रोम जल गया है पूरा, मतलब सीजर मर गया है, ब्रूटस भी को भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा. तो कैसियस बेचारा बड़ा इमोशनली सिन्ना एंट्री लेता है और कैसियस उसको बोलता है कि मैंने रोम को कर दिया है तबाह, उठा अपनी तलवार और भेज दे मेरा सीना. और उसने बोला भेज दे मेरा सीना, सिन्ना ने रिएक्ट ही नहीं किया, सिन्ना ऐसे बैठा हुआ है. कहता भेज दे मेरा सीना. वो रिएक्ट कर रहा है, वो सामने पीछे बैक स्टेज में एक लड़का गया कुछ चौंक रहा है, तो कह रहा है भेज दे मेरा सीना, वो तलवार बुलाया था. उसने गला घोट के मार दिया. हमारे प्ले में ना, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल जो होते हैं ना, उसमें एक इतना बेकार एक्टर था ना, एक तो उसने गलत एंट्री ले ली, आ गया स्टेज पे, उसकी एंट्री थी नहीं. अब आ गया तो तू खड़ा रह, कहता ओ. नहीं, वो किस्सा किस्सा क्या था? एक सेकंड, किस्सा सुनने से पहले जरा शिफ्ट कर लेते हैं, मैं बड़ी फंसी फंसी बैठी. आई वांट टू बी विद गर्ल्स. किस्सा क्या था? जब हम बड़े हो रहे थे, सब बड़े होते हैं अपने अपने अंदर, तो सबके आशिक होता है ना. हाँ. तो और ये उन दिनों की बात है जब खिड़की पर ही आशिकी चलती थी. हाँ. बाहर मिलना अलाउड नहीं होता था, तो लड़की जो है वो खिड़की में ही है. अब खिड़की से ही हमको कम्युनिकेट करना पड़ता था, हम तुझे पसंद करते हैं और हम हीरो भी हैं. हाँ. क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं था. तो दिवाली में पटाखे आते थे ना, तो वो होता था एक मुर्गा छाप. हाँ. डोरी वाला भाव. तो डोरी वाले भाव की हम प्रैक्टिस करते थे भाई, कि खिड़की खुलेगी लड़की की, खड़े 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 कैंडल जो है ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, नजर उसकी तरह रखेंगे और सुरी पे जैसे ही आग लगी, सुरी जली 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 ठा. हाँ. हमने दूसरा बम मांगा, एक साइड की कमारा हमेशा रहता था, बाकी हम बने बाहर लगे. ला टिंकू ला, टिंकू ने दिया था. तो 4-5 तो लग गए, तो पीछे से किसी की आवाज, मोहल्ले वाले घर थे ना, तो किसी की आवाज आ जाती थी सीटी, तो अब उसमें डिस्ट्रैक्शन आता था, ऐसे पकड़ा था, हाथ में फूट गया. वो हाथ में फूट गया. अब हाथ में फूट गया और लड़की देखी खिड़की से थोड़ा गए, जब खिड़की से बाहर निकल गए. हाथ भटूरे जैसा हो जाता, भटूरे जैसा, भटूरे जैसा, भटूरे जैसा. वाकई ये सब किससे बचपन में देखे सुने हुए, बड़े कमाल के. हाय यू, कैसे? हाय. मैं सच्ची बोलती, इतना एपिसोड है, बेस्ट ऑडियंस आई ली आज अपने लिए, जोरदार ताली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाय सेलिब्रिटी, मेरे हेलो, हाय वेब सीरीज, ओली वेरी नाइस. हाँ,
कैसे आप लोग ठीक है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, जोरदार ताली बधाई हो। ये बधाइयों के लिए नहीं आए, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। मालूम है, मैं बोली शुभ मंगल ज्यादा सावधान में काम मिलने के लिए बधाई हो, ऐसा बोलो। ऐसा बहुत अच्छा लगा। ये दिस फॉर यू न, ये क्या दे रही है? शगुन दे रही है, बहू है ना इस पिक्चर में। तो बहू को मुंह दिखाई तो देना पड़ता है ना। अभी देखो आप ससुराल जाएंगी, सांस का ख्याल रखना उधर। सांस को ने नीना जी है ना जी। ख्याल रखना, हाँ नहीं वैसा वाला, नहीं वैसा वाला ख्याल रखना कि दरवाजे में चिटकनीला लगाने पाए, इनका कोई भरोसा नहीं रहता। अरे जिस फिल्म के लिए आए उस फिल्म की बात कर रहे हैं? शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। आप लोग को मालूम है इस पिक्चर का टाइटल पहले शुभ मंगल सावधान 2 था। अच्छा। फिर जब ये लोग ने नीना जी और गजराज जी को साइन किया ना, हाँ। उसके बाद टाइटल रखा शुभ मंगल ज्यादा सावधान। ऐसे आप लोग सोचो, अगर पिक्चर में हीरो हीरोइन सिर्फ नीना जी और गजराज जी होते तो क्या टाइटल होता? क्या होता? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही बोली ना मैं? सपना कितने सीनियर आर्टिस्ट हो, ऐसे बात कर रही है? सीनियर तो ऐसे बोल रहे थे, गजराज जी ने एक ही अंगल को ऐसे ओले 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 करके खिलाया। सीनियर आर्टिस्ट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नीना जी ने जब पुरानी जाने भी तो यारों में भी काम किया है। केले जाने भी तो यारों में भी काम किया है ना, मेरे को मालूम है, उसका प्रमोशन कर रही थी। हाँ। तो आप लोग दोनों सबसे सीनियर है, तो आप दोनों के लिए ये क्या है? ये इधर का पास है, आते जाते रहना आप लोग। फ्री पास। फ्री पास है। अभी क्या आप लोग हिट हिट पिक्चर करते आते रहेंगे पूरे साल? You very nice, I like you. You Dream Girl में भी आप लड़की बने थे जी। इसमें भी बहू बने, साड़ी भी बहुत पहनती, लड़की बनने का बहुत शौक है आपको, मैं देखी। वेरी नाइस। देखो अभी साल भर में आप 4-5 पिक्चर करेंगे, तो 4-5 पिक्चर में क्या लड़की बना, इधर आओ रोज सैटरडे संडे लड़की बनना रहे। इसमें लड़की नहीं बन रहा हूँ, इसमें गे हूँ। और वैलेंटाइन डे पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि हर तरह का प्यार जायज है। एब्सोल्युट। ड्रीम गर्ल में तो आप बने थे ना, लेकिन जी कभी और कोई लड़की में पिक्चर नहीं आ रही? कोई लड़की में पिक्चर आओ ना, इधर सैटरडे संडे मजा आते है लड़की बनने। मैं मजाक नहीं कर रही है, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। हाँ यकीन नहीं आता पूछ लो अर्चना जी से, लड़की बनने का बहुत पैसा लेती है। कपूर तेरे को मालूम है क्या, ये आयुष्मान पहले आए थे ना इधर प्रमोशन के लिए, हाँ। मैं इनको लाइन मार रही थी। हाँ। नहीं एक्चुअली ये मेरे को लाइन मार रही थी। चल झूठी। सच्ची में मैंने इनको भाव नहीं दिया। मैंने आपको क्या भाव नहीं दिया, आपने लड़के को पकड़ लिया क्या है? तो कितना अच्छा लड़का है। नहीं नहीं अच्छा तो है, वेरी नाइस है। फिल्म में किस भी किया इसको मैंने। हाँ? हाँ। अच्छा एक बार इनकी आंखों में आके डाल के देखो ना, एक बार प्यार से मेरे को देखने का, देखो ना एक बार, देखो ना एक बार। शर्मा रहे। अरे एक मिनट, इनकी क्या आंखों की पुतलियां तो बड़ी नहीं हुई। क्या मतलब? ये प्रोमो में देखिए ऐसा बोलते हैं कि ये इनकी तरफ देखते तो आंखों की पुतलियां बड़ी रहती है, बड़ी होती है ऐसा। आपको मालूम है अर्चना जी की आंखों की पुतलियां कब बड़ी होती है? जब वो मेरा चेक देखती, कृष्णा इतना पैसा लेता। मेरा चेक देख के इनके आंखों की पुतलियां पड़ी होती है, सोच लो इसका चेक देख लिया। इसका चेक देख लिया तो पुतलियां छोड़ो, मॉडल एंड में इनका पुतला लगेगा बाहर। मैम यू सीनियर, वेरी नाइस यू। यू लाइक माय न्यू हेयरकट? वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच। वो कबूतर में तोड़ने देना आप बस। मैं पता ही नहीं कहूंगा। वेरी नाइस मैम। आप नेक्स्ट टाइम अभी प्रमोशन पे आएंगे तो पोते के साथ आएंगे ना? क्यों क्यों? नहीं पहले इनके साथ आई थी तब बेटा थे। हाँ। अब बेटे की शादी हो रही तो नेक्स्ट टाइम तो पोते के साथ ही बनते हैं ना। हाँ, ये तो है। नहीं और अगर गजराज जी साथ में हुए हाँ। तो बेटे के साथ भी तो आ सकते। फिर एक और बेटे के साथ भी आ सकते, ऐसा मालूम नहीं मेरे को।
हाय सर। हाय सर, आप लिकरी सिस्ट भी है ना? लिकरिस हाँ वही रहता है ना? हाँ वही वही। अच्छा, आप लिकरिसिस्ट भी है, लिखते भी है, एक्टर भी है, 75 लाख रुपए दो ना मेरे को। लो, तू तो 1 करोड़ मांगती थी पहले। अभी क्या नया बजट आया है ना सरकार का, उसमें टैक्स कम किया है तो थोड़ा मैं भी कम कर दी इधर थोड़ा ऐसे रे। दिए दिए दिए। वेरी नाइस, यू वेरी नाइस। हाँ, आई लाइक योर नेम मानवी गगरू, है ना? मैं गबरू तो बहुत देखी थी, गगरू पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, आपने पिक्चर किया ऋतिक के साथ, वो और पिक्चर नहीं किया? क्यों नहीं? तो वो गाना कौन से कहता, गुंगरू टूट गए, गगरू टूट गए करता, अच्छे थोड़ी लगते। तो गेस्ट आए इतने प्यारे, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे को? हाँ मैं कर रही हूँ। मेरे को ना एक मुद्दा है, प्रॉब्लम। लोग नाला सोपर में रहते हैं उधर, हम बहुत गरीब लोग हैं उधर, तो उधर मैम उधर शादी का ना बहुत प्रॉब्लम रहता है। मेरे को ना कुछ, मैं चाहती चीजें हट जाए लाइफ से, जैसे ये लड़की लोग की विदाई होती है शादी के बाद, तो क्या उसके डैडी खड़े रहते हैं ऐसा गाड़ी में, लड़की हंसती रहती है, अच्छा नहीं लगता है। लड़कियां तो रोती हैं विदाई के टाइम। क्या बात कर रहे हैं? तो उधर देख, एक मिनट पहले बात तो सुन लो, जब से सिद्धू जी की विदाई हुई है ये लड़की हंस रही है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। और मैम हम लोग का एक और प्रॉब्लम है, वो अभी शादी के बाद देखो अभी हनीमून पे जाते हैं, तो ऐसे जरूरी थोड़ी दुल्हन के साथ ही जाने का, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या लड़की के मतलब बाप के साथ जाए हनीमून पे? हाँ, तो लड़की के बाप से ही पूछा था मैंने एक दिन, मतलब पूरा जिंदगी तुम लड़की को मार्केट में जाने नहीं देते। हाँ। किसी लड़के से मिलने नहीं देते, और अचानक से उसका हाथ किसी लड़के के हाथ में देते, बोलते हनीमून पे जा कश्मीर में, गलत बात है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। है कि नहीं मैम? आई ये मुद्दा उठा लिया मैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होना नहीं चाहिए खाली फुकट में। लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दिया अचानक, मैं मेरा छावा है मुकेश, मेरा छावा, मैं उसको बोली मुकेश मैं भले शादी तेरे साथ करेगी, हनीमून पे मैं जिसको पहले से जानती हूँ उसके साथ जाएगी। I love it. Wow. अनजान के साथ कैसे जा सकते हैं ना? सही बात है। और तेरे मुकेश मानेगा ये बात? ओपन माइंडेड है, बोला जाओ। हो गया तेरा? नहीं अभी हुआ नहीं, अभी ऐसे कैसे बिना मसाज के जाएगी, चलेगा क्या? गजरा जी आप सबसे ज्यादा बाप का रोल करते हैं पिक्चर में, तो मेरे पास बाप मसाज है। बाप मसाज? हाँ बाप मसाज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ है ना, उन लोग को पार्लर में अंदर लेते हैं, फिर चिटकनी लगाते, फिर मैं दोनों को तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता कविता सुनाती है, जब तक कस्टमर बाप ना बन जाए। ऐसे ऐसे फिर, अरे यार आपको वो नेशनल अवार्ड मिलेगा, इनके लिए जोर जोर ताली, क्या बात है, छोटी बात नहीं रहती, बहुत ही बाप। और कौन सा पिक्चर के लिए मिला था? अंधाधुन। हाँ वो अंधाधुन मसाज है हम लोग के पास में। उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग ऐसे अंदर लेते फिर क्या करते हैं, उसके आंख पे पट्टी बांधते, फिर उसको तेल लगाते, फिर उस कमरे में मैं एक अंडा रखती, बोलती अंडा ढूंढ अभी। ऐसे रहते हैं। कभी आप लोग मैम, आप लोग मैं देखे वेब सीरीज में आप लोग मस्त काम करते ना ज्यादा, मैं देखे मैम आपको भी, सुनीता मैम के लिए भी जोरदार ताली, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आप लोग आप वेब सीरीज में भी आए ना, वेब सीरीज में भी करते हैं ना आप ऐसे? तो वेब सीरीज बाला में भी थी इनके साथ, बाला मेरे को मालूम मैम। हाँ मालूम। तो वेब सीरीज जो रहता है वो वाईफाई के बिना चल नहीं सकते, तो हमारे पास वाईफाई मसाज है। अच्छा, इसमें क्या? इसमें करते मैं चुपचाप कस्टमर घर पे जाती है, चुप उसके कमरे में जाती है, उसको तेल लगा के मसाज करती, तब एक आवाज आती है, क्या मैं वो कुछ गिरने की आवाज आती है, वो मैं कस्टमर बोलता है भाग इधर से, भाग इधर से, मैं बोलती शेर आया, बोलते नहीं वाईफाई। हमारा ऐसा रहता है, कभी कराना होगा तो आना आप लोग हैं, मसाज आएंगे ना, अभी आप लोग तो आते रहेंगे। Thank you.
पाजी, आपको पता ही है पाजी कितने कमाल के सिंगर हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप फिल्म में गाना गाते हैं, तो मेरे को हमारे दर्शक भी हमेशा चाहते हैं कि जब भी आप आए एक गाना तो जरूर सुनाएं मेरे लिए। तो ये हमारी फिल्म चुम्बकल दास सावधान का गाना है, इट्स अ लव सॉन्ग, और ये ऐसा लव सॉन्ग है जिसको देखकर आपको लाइक बटरफ्लाइज होंगी स्टमक में। दो फिल्म आया तो हम दोनों पे गए, पर चाहे लड़का लड़के का प्यार हो, लड़की लड़की का प्यार हो, लड़का लड़की का प्यार हो, ये सबको आई थिंक जी टच करेगा। एक बार शुभमंगल दादा सावधान की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मजा आया, आपको बहुत बहुत मुबारक इतनी खूबसूरत फिल्म के लिए और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू सो मच।